चलो ध्यान दो, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में चैप्टर 9 तक पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे चैप्टर 10। चैप्टर 10 का नाम है बिहार संसाधन एवं उपयोग, ठीक है ना। तुम लोग को बहुत सारा कमेंट आ रहा था ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए, ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिए। क्या है बिहार संसाधन एवं उपयोग, इससे पहले तुम लोग को बता देना चाहते हैं सब चैप्टर खत्म है, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री सिविक्स इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में चैप्टर 10 आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हिंदी का भी संस्कृत का भी सबका वीडियो मिल जाएगा। मेरा फोटो पर क्लिक करना है, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाके वीडियो खोजना है, सबका मिल जाएगा। मोलस सोल्यूशन वी वी आई ऑब्जेक्टिव वी वी आई सब्जेक्टिव ए टू जेड तुम लोग को मिल जाएगा। फोटो पर क्लिक करके प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाके खोजो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिहार संसाधन एवं उपयोग। बिहार संसाधन एवं, तो बिहार के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिहार तुम्हें पता है ना, बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है, पता है ना कितना जिला है? 38 जिला है। कितना जिला है? 38 गो जिला है, ठीक है ना। और 9 गो परमंडल है। 9 गो क्या है? बिहार जो है ना, बिहार क्या है? तो बिहार में संसाधन बहुत है क्या? कोयला, सोना, चांदी, अल्मोनियम, तांबा, ये सब है क्या? नहीं, तो बिहार में खनिज नहीं है। बिहार में खनिज नहीं है। बिहार क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। कृषि यहाँ बहुत होता है, होता है ना, कृषि बहुत ज़्यादा होता है। तो बिहार कैसा राज्य है? तो बिहार जो है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। और यहाँ पर खनिज का अभाव है। क्या है? खनिज का अभाव है। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है ना। बिहार में लगभग 3/4 लगभग, मान लो कि बिहार में जितना भी भूमि है ना, उसको 4 भाग में बांट दिए, तो उसका 3 भाग में, यानी 3/4 भाग पर क्या होता है? खेती। क्या होता है? 3/4 क्या? 3/4 पर कृषि होता है। 3/4 पर क्या होता है? लगभग 3/4 भाग, यानी लगभग 60%, ऐसा 58 के आसपास होता है। तो 60% पर खेती होता है। क्या होता है? खेती होता है, ठीक है ना। और बिहार का कितना जनसंख्या कृषि में लगल है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का कितना जनसंख्या कृषि कार्य में लगा हुआ है, तो बोलना 80%। क्या बोलना है? जनसंख्या, बिहार का जनसंख्या कृषि कार्य में लगा है, कृषि कार्य में लगा है, तो कितना है? 80%। कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80%, ठीक है। देखिए यहाँ पर बिहार का, यानी ना बिहार का थोड़ा सा नक्शा बनाया, तो बिहार का नक्शा इस प्रकार होगा, इस प्रकार, और यहाँ पर ऐसे 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 है, ठीक है ना। तो इधर देखेगा ये है बिहार, ये क्या है? बिहार। तो बिहार का चौहद्दी अगर देख लेते हैं, तो बिहार का अगर चौहद्दी देखेगा तो इधर आएगा क्या? यूपी। क्या आएगा? यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। हम तुम्हें पता है ना कि दिशा हम जब भी बोलते हैं तो ऊपर होता है उत्तर, ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है ना। नीचे होता है दक्षिण, नीचे क्या होता है? दक्षिण। इधर होता है पूरब, क्या होता है? पूरब होता है, ठीक है ना। इधर होता है पश्चिम, क्या होता है? पश्चिम होता है, पता है ना। तो बिहार के पश्चिम में क्या है? यूपी। क्या है? यूपी है। बिहार के दक्षिण में क्या मिलेगा? तो दक्षिण में हम लोग बिहार के दक्षिणी राज्य में रहते हैं, पता है ना। और बिहार के दक्षिण में हम लोग को मिलता है झारखंड। क्या मिलता है? झारखंड मिलता है। क्या मिलता है? झारखंड मिलता है। बिहार का पूरब में क्या मिलता है? पूरब में मिलता है पश्चिम बंगाल। क्या मिलता है? पूर्व में मिलता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बोले तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट। और बिहार के उत्तर में क्या मिलेगा? तो बिहार के उत्तर में होता है नेपाल। क्या है? नेपाल है, जो एक देश। समय तो लोग आ गया ना, तो बिहार की चौधरी बता देगा ना। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश यानी यूपी। समय तो लोग आ गया। और बिहार के देखेगा तो बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है। क्या गुजरती है? बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है। तो गंगा के जो ऊपर है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं उत्तरी बिहार। क्या बोलते हैं? गंगा के जो ऊपर वाला बिहार है उसको बोलते हैं उत्तरी बिहार। क्या बोलते हैं? और बिहार के गंगा नदी के, गंगा नदी है, ये कौन नदी है? गंगा नदी है, यूपी से बिहार में घुस गया। और गंगा के जो नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं दक्षिणी बिहार। क्या बोलते हैं? दक्षिणी बिहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी बिहार, पता है ना तुम लोग को। अब बिहार को दो भाग में बांट दिए, गंगा नदी बिहार को दो भाग में बांटता है। एक को बोलते हैं क्या? उत्तरी बिहार। क्या बोलते हैं? उत्तरी बिहार। और एक को बोलते हैं दक्षिणी बिहार। क्या बोलते हैं? दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार जो है ये बाढ़ से परेशान होता है। क्या से परेशान होता है? बाढ़ से परेशान, बाढ़ से परेशान, ठीक है ना।
क्योंकि उत्तरी बिहार में बहुत सारा नदी आता है, यहाँ से आएगा तुम्हारा क्या घाघरा आएगा, गंडक आएगा, ठीक है ना, फिर बूढ़ी गंडक आएगा, फिर कोसी आएगा, कमला आएगा, कोसी का सहायक नदी कमला होता है, बागमती होता है, तो बहुत सारा नदी आता है। और यहाँ पर क्या है, माउंट एवरेस्ट है, अरे नेपाल में क्या है, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से बहुत सारा नदी निकलता है, जिससे उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान होता है और दक्षिणी बिहार सूखा से परेशान। दक्षिणी बिहार क्या, दक्षिणी बिहार यानी ये वाला हिस्सा, हम लोग कौन बिहार में आते हैं, दक्षिणी बिहार में, गंगा नदी के जो ऊ पार है उत्तरी बिहार और गंगा नदी के जो ये पार है वो दक्षिणी बिहार, हम लोग दक्षिणी बिहार में आते हैं, जम्मू यहाँ पर है, ठीक है ना। तो सुखाड़ क्या है, सुखाड़ से परेशान है, सुखाड़ से क्या है, परेशान है बिहार से। ये झारखंड जो नीचुआ नज़र आ रहा है, ये झारखंड कब अलग हुआ, पहले बिहार क्या था, बिहार जो है पहले खनिज से भरपूर था, यानी बिहार में खनिज का कमी नहीं था, कब, जब झारखंड बिहार के साथ था, लेकिन जब झारखंड बिहार से अलग हो गया तो बिहार में खनिज चल गया सब कहाँ, झारखंड, और यहाँ पर खाली बची है जमीन, क्या बची है, जमीन कृषि के लिए बची है, समझ आ गया ना। तो यहाँ पर क्या है, तो बिहार से झारखंड, यहाँ लिख देते डायरेक्ट, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, अलग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लोग को पूछ देता है। तो बिहार से झारखंड जो अलग हुआ वो अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है ना, बिहार से झारखंड अलग हुआ और झारखंड में चल गया क्या, झारखंड में सब खनिज कहाँ चल गया, तो जितना भी कोयला हो या यूरेनियम हो या जितना भी खनिज हो, सोना चांदी लोहा हुआ जितना हो, तांबा एल्युमिनियम सब कहाँ चल गया, झारखंड, कहाँ चल गया, झारखंड, तो झारखंड हो गया खनिज राज, क्या हो गया, खनिज राज, और बिहार हो गया कृषि प्रधान राज, समझ तो लोग आ गया ना। बिहार में अगर संसाधन के नाम पर अगर बोलें तो बिहार में संसाधन के नाम पर कृषि संसाधन मेन है, कौन संसाधन मेन है, कृषि संसाधन मेन है, ऐसे कुछ कुछ क्षेत्र में मिलता है, जैसे बिहार की दक्षिणी क्षेत्र समझ रहा है, झारखंड से सटा है, झारखंड से सटा हुआ है, झारखंड में क्या है, खनिज है, तो वही जो झारखंड से सटा हुआ जो जिला है, ठीक है ना, उसमें भी कुछ मात्रा में खनिज मिलता है, कुछ मात्रा में, बहुत नहीं, कुछ मात्रा में क्या होता है, खनिज मिलता है। तो जम्मू भी क्या सटा हुआ, झारखंड से सटा हुआ है, इसलिए जम्मू यहाँ है, ठीक है ना, इसलिए जम्मू में कभी कभी हल्ला होता रहता है कि सोना है हल्ला होता है ना, क्योंकि झारखंड से सटा है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, तो झारखंड बिहार क्या है, तो कृषि प्रधान राज्य है, क्या है, यानी बिहार में कृषि संसाधन, तो हम तुम लोग को जब भारत पढ़ा रहे थे, तो भारत में हम तुम लोग को बताए थे, जब तुम लोग को हम भारत बता पढ़ा रहे थे, तो उस समय फसल को हम तीन भागे बांटे थे ना, एक बोले थे क्या बोले थे, रबी खरीफ जायद, लेकिन जब बिहार पढ़ा रहे हैं तो बिहार के स्थानीय नाम, जो बिहार में फेमस है उसके आधार पर फसल को चार भाग में बांटेंगे, चलो यहाँ लिख देते हैं, चार भाग में बांट रहे हैं, ठीक है, फसल को, ठीक है। पहला जो है ये बिहार में खाली बोलते हैं, पहला जो बोलेंगे भदही फसल, तो भदही फसल तुम लोग को अन्य क्षेत्र में थोड़ा मिलेगा, बिहार में, बिहार का लोकल नाम है, बिहार का क्या है, जो फसल मुख्यतः भादों के महीना में होता है उसको बोलते हैं भदही फसल, क्या बोलते हैं, भदही फसल, हिंदी में नाम तुम लोग बताया ना, हिंदी में भादो आश्विन कार्तिक होता है ना, वही एक होता है अघनी फसल, क्या होता है, अघनी फसल, एक होता है रबी फसल, क्या होता है, तो रबी तो तुम लोग को हम सब में पढ़ाए थे ना, रबी तो सबके लिए कॉमन है, जब भारत के बारे में पढ़ा रहते अति रबी खराब खरीफ जाए तो उसमें भी रबी पढ़ाए थे ना। और एक होता है ई आर ई जो है ना, ये जो है ये क्या है, खरीफ फसल है, क्या है, और खरीफे फसल को दो भाग में बांट दिए, बोल दिया भादो वाला, बोल दिया अघन वाला, समझ तुम लोग आ गया, खरीफे को दो भाग में बांट दिए, भादो वाला है अघन वाला। और एक होता है क्या, गर्मा फसल, क्या होता है, जो एकदम गर्मी में होगा, जब गर्मी हुमच के करता है उस समय जो फसल होगा उसको बोलते हैं गर्मा फसल, क्या बोलते हैं, समय तुम लोग आ गया ना, तुम लोग को हिंदी महीना पता है ना, हिंदी महीना में सबसे पहला महीना कौन होता है, अब चाहे तो ना होता रे गदा, पुष तो जनवरी में आएगा लगभग, अब पुष से पुसालो तुम लोग करेगा ना सब ले ले। हिंदी का सबसे पहला महीना आता था चैत, क्या होता है, और अंतिम महीना जो होता है फागुन, फागुन यानी होली जो मार्च के लगभग होता है ना, ऐसे 12 महीने आता है ना, क्या होता है, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो
आशीन कार्तिक अगहन पूष माघ फागुन, तो 5-12 महीना हुआ। कितना महीना हुआ तो कितना महीना हुआ 12 महीना। उसमें जो पहला महीना होता है चैत, क्या होता है, और अंतिम महीना होता है फागुन, क्या होता है, तो जो भादों में होगा उसको बोलेंगे भदाई फसल। क्या बोलेंगे? भदाई फसल। इसका टाइम कहाँ से कहाँ तक है बताया, तो ये जो है ना इसका बुआई का समय, भदाई फसल के बुआई का जो समय होता है वो होता है मई जून। क्या होता है? मई और जून के बीच, मई और जून के। और कटाई का जो समय होता है, कटाई का जो समय होता है वो कब होता है पता है? अगस्त सितंबर। क्या होता है? अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर। समय तो उनका आ गया, अगस्त सितंबर होता है, ठीक है। और इसमें जो फसल आता है, इसमें जो फसल आता है, बताए थे नहीं कि ये दोनों जो है खरीफ का ही प्रकार है, खरीफ कोई दो हमें बांट नहीं है, बताए थे ना। बिहार में कुछ मतलब जो होता है कभी कभी जो धान जो है ना कहीं जो क्षेत्र में भादो महीना हो जाएगा तो धान जो है दोनों में आएगा, ठीक है ना, यानी चावल जो है दोनों में आता है, ठीक है ना, समझ तो लो, चावल दोनों में आएगा। जो चावल जो होगा भादो महीना में उसको बोलेंगे क्या? भदई चावल। क्या बोलेंगे? भदई चावल। फिर आएगा ज्वार। क्या आएगा? ज्वार आ जाएगा। फिर बाजरा आ जाएगा। क्या आएगा? बाजरा आ जाएगा। फिर मक्का आ जाएगा। क्या जाएगा? मक्का। ये हो जाएगा भदई चावल। क्या जाएगा? भदई चावल। समझ तुम लोग का आ गया। ये सब मेरा क्या है, ये सब तुमको हम पढ़ाए थे खरीफ फसल में, पढ़ाए थे ना, तो खरीफ फसल के ही दोनों भाग है ना, है ना, तो ये बड़ा भदई फसल क्या है। और चावल जो है अगहन के महीना भी होता है, जौन क्षेत्र में हम लोग को जो अधिकांश जो चावल होता है होता है यह महीना में। कौन होता है? अगहन के महीना। अगहन के महीना में बुआई इसका देख लेते हैं। इसका जो बुआई होता है ना, इसमें जो फसल का बुआई होता है वो होता है जून जुलाई में। कब होता है बुआई? कब होता है? जून जुलाई, जून जुलाई, ठीक है ना। और कटाई कब होता है? कटाई होता है अक्टूबर नवंबर में लगभग। कब होता है? अक्टूबर नवंबर में, यही होता है ना। हम जब हम तुम लोग खरीफ फसल जो पढ़ा रहे थे तो उस समय लगभग यही महीना लिए थे ना, खरीफ में लिए थे ना, लेकिन उससे पहले जो हो जाता है उसको बोल लेते हैं भदई फसल। क्या बोल लेते हैं? इसमें भी कौन आएगा? तो इसमें भी आएगा चावल। कौन आएगा? और बिहार में चावल जो होता है अधिकांश यह महीना में होता है ना। तुम लोग को जो अभी कटा था चावल भाई, यह महीना में कटा था ना, नहीं कटा था, तो यही तो चावल जो है मैंने कहा इसी में आता है। लेकिन जो चावल पहले हो जाएगा कहीं पर वो आ जाएगा भदई फसल। क्या आ जाएगा? भदई फसल, ठीक है। चावल हो गया, इसमें भी आएगा ज्वार, इसमें भी आएगा ज्वार जो इस महीना के अंदर होगा वो बोलेंगे अगहनी फसल। क्या बोलेंगे? अगहनी फसल। तो चावल हो गया, ज्वार हो गया, इसमें भी आएगा बाजरा। क्या आएगा? बाजरा आएगा, ठीक है ना। इसमें भी आएगा गन्ना। क्या आएगा? गन्ना, ठीक है ना, गन्ना आएगा। अरहल आएगा। क्या आएगा? अरहल आएगा। समझ तुम लोग आ गया। तो ये सब मेरा अगहनी फसल है। क्या फसल है? गन्ना और अरहल। गन्ना, गन्ना जो है तुम लोग गन्ना का अगर देखा होगा उत्पादन होता है तो गन्ना जो है पूरा एक साल ले लेता है, नहीं ले लेता है। गन्ना का उत्पादन करेगा तो पूरा एक साल वह चौपट कर देगा। अच्छा तुम गेहूँ लगा तो गेहूँ लगा, फिर चावल लगा, फिर आलू उलू, एक साल में तुम लोग 3 फसल उगा सकता है ना। वो चावल भी लगा दे, 4 महीना लगभग चावल खत्म हो जाएगा, 4 से 5 महीना, फिर गेहूँ लगा दे, फिर कुछ अलग फसल भी लगा सकता है ना। लेकिन गन्ना जो है पूरा एक साल लेता है। कितना लेता है? एक साल ले लेता है, यानी लगभग 10 से 12 महीना लेता है, ठीक है ना। तो बोलेगा कौन सा फसल, निम्नलिखित में ऑप्शन दे देगा कि कौन सा फसल पूरी साल ले लेता है, तो क्या बोलना है? गन्ना। क्या बोलना है? अरे वो जो अरहल होता है ये भी लगभग लेता है एक साल। क्या लेता है? एक साल ये भी ले लेता है अरहल, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब हम देखेंगे रबी फसल। रबी फसल तुमको पढ़ाई दिए हैं, रबी फसल तुमको नहीं पढ़ा है। रबी फसल होता है ठंडा में। क्या होता है? ये ठंडा के मौसम में होता है, यानी अब जो है रबी फसल लग गया ना लगा है, तो रबी फसल होता है ठंडा के मौसम में होता है। और ठंडा के मौसम इसका जो बुआई का समय होता है, इसका जो बुआई का वो क्या होता है, इसका बुआई का समय क्या होता है, इसका बुआई समय अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर भी बोल सकते हैं, नवंबर दिसंबर बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो नवंबर दिसंबर में तुमने लगा दिया, ठंडा समय में लगा दिया है ना। अब ठंडा के समय में जो फसल होगा उसको बोलेंगे रबी फसल। क्या बोलेंगे? आज इसका जो कटाई का समय होता है, कटाई का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, तो लगभग अप्रैल मई होता है। क्या होता है? तो अप्रैल लगभग बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन फसल आएगा तो तुम्हें दिमाग लगा, ठंडा में कौन क्या क्या हो रहा है, तो ठंडा में हो रहा है गेहूँ। क्या हो रहा है? गेहूँ ना हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा गेहूँ। क्या जाएगा? गेहूँ हो रहा है ना। चना हो रहा है। फिर मटर होगा, अभी मटर ना होगा तो ना तुम लोग पिकनिक करेगा, मटर होगा ना तो मटर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। क्या आएगा? सरसों होगा। अभी तुम लोग तीसी वाला पिट्ठा बनता है, तीसी वाला बनता है, क्या बनता है ना, तीसी का तुम लोग का अथी भी बनता है, क्या बोलता है उसको, तिलकुट भी बनता है, तो तीसी हो जाएगा ना। तो ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा मेरा रबी फसल। किस में आएगा? रबी फसल में आएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं गर्मा फसल। क्या देखते हैं? गर्मा फसल मतलब समझा, जो जिस समय बहुत ज़्यादा गर्मी करता है उस समय जो फसल होता है उसे बोलते हैं गर्मा फसल। क्या बोलते हैं? गर्मा फसल। और गर्मा फसल में कौन आएगा पता है? तो गर्मा फसल में तुम्हारा आएगा
रसदार, क्या आएगा? रसदार फल, रसदार फल एवं सब्जी, ठीक है ना। सब्जी का उत्पादन भी होता है गर्मी, देखा तुम जब जब ज़्यादा गर्मी करता है ना उस समय सब्जी का उत्पादन होमच के होता है, होता है ना। देखिए जैसे रसदार फल मतलब क्या, तो रसदार फल मतलब हुआ खरबूज तरबूज ना हुआ, खरबूज ये सब क्या है, सब गर्मा, क्या है गर्मा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी के महीना होता है ना, जिस समय ज़्यादा गर्मी रहेगा उस समय देखना तुम मार्केट जाएगा तो तरबूज खरबूज मिलता है, मिलता है ना, ककड़ी मिलता है, खीरा मिलता है, मिलता है ना। तो खरबूज हो गया, क्या हुआ और तरबूज हो गया, ठीक है ना, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, बकरी हो गया, बकरी भी होता है, तो खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ठीक है ना, एवं अन्य सब्जियाँ, कुछ सब्जी भी होता है इस समय, होता है ना, ठीक है। जो पानी वाला जितना भी है, जैसे हो गया थी क्या बोलता है उसको, कद्दू भी होता है पानी वाला चाहिए, होता है ना। तो जो पानी वाला जितना भी अथी फल सब्जी है सब क्या है, वही महीना समय तुम लोग आ गया रे, ओए समय तुम लोग आया, इतना कोई दिक्कत है तो देख लिया ना। अब हम देखते हैं क्या बिहार में सबसे जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो है चावल, क्या है चावल, पता है ना। तो पहले देखते हैं चावल के बारे में, किसके बारे में देखते हैं, पहले देखते हैं चावल के बारे में, ठीक है ना। बिहार का जो सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो चावल है, उसके बाद गेहूं है, उसके बाद क्या है, तो पहले हम देखते हैं चावल, क्या देखते हैं, तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन पूछेगा बिहार में 38 जिला है, कितना जिला है 38 जिला है। तो 38 जिला में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो हो जाएगा रोहतास, क्या होगा क्या होगा, रोहतास होगा। दूसरा नंबर में आएगा औरंगाबाद, क्या आएगा औरंगाबाद, क्या आएगा औरंगाबाद। और तीसरा नंबर में आएगा मधुबनी, क्या आएगा मधुबनी, याद रखना। सबसे मेन का तुम लोग को रोहतास याद रखना है, क्योंकि एक नंबर वाला ज़्यादा पूछता है, एक नंबर वाला ज़्यादा और सबसे ज़्यादा सिंचाई का सुविधा भी रोहतासे में है, कहाँ पर है रोहतासे में है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चावल उत्पादन होता है, समझ तुम लोग आ गया ना। पूछेगा बता बिहार का कौन सा जिला यहाँ पर सिंचाई का व्यवस्था सबसे अधिक है, क्या बोलना है रोहतास, क्या बोलना है। और रोहतास कहाँ पर है, तो रोहतास है पश्चिम में, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ मिलेगा तुमको रोहतास, ठीक है ना। ये जो इधर पर ठीक से पूछा निकला रहेगा, पश्चिम यूपी को भी टच करेगा, यानी उत्तर प्रदेश को भी रोहतास टच करता है और झारखंड को भी टच करता है, यानी रोहतास वैसा जिला है जो यूपी और झारखंड दोनों को टच करता है, समझ तुम लोग आ गया। चलो उसके बाद देखते हैं गेहूँ, क्या रखते हैं दूसरा नंबर हम लोग का जो फसल है मेन वो क्या है, गेहूँ, क्या है गेहूँ है, क्या है तो गेहूँ है, दूसरा मेन है ना। पूछेगा बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, तो चावल। दूसरा नंबर में क्या है, गेहूँ, क्या है गेहूँ। तो गेहूँ का उत्पादन देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है, तो गेहूँ का जो सबसे पहला उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये भी रोहतास से होता है, कहाँ होता है रोहतास, क्यों होता है, क्योंकि सिंचाई मिल गया ना, मिल गया तो रोहतास में। रोहतास के बाद आएगा कौन, बक्सर, कौन आएगा बक्सर, ठीक है ना। और बक्सर के बाद आता है सारण, क्या आता है सारण, क्या आता है सारण जिला आता है। तो मैंने कहा तुम लोग को रोहतास याद रखना फिक्स है, ठीक है ना, समझ तुम लोग का आया। अब देखते हैं मक्का, क्या देखते हैं, तीन नंबर में जो खाद्यान्न फसल है वो है मक्का, क्या है मक्का, क्या है तो मक्का के बारे में देखते हैं, किसके बारे में देखते हैं मक्का के बारे में। तो मक्का का जो जो उत्पादन होता है एक नंबर में वो होता है कटिहार, कहाँ होता है कटिहार, कटिहार तुमको इधर मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ मिलेगा तुमको किशनगंज पूर्णिया कटिहार भागलपुर बाका उसके बाद जम्मू, समझ तुम लोग आ गया। तो कटिहार क्या हो गया, कटिहार के बाद होगा खगड़िया, कौन आएगा खगड़िया, क्या आएगा खगड़िया, उसके बाद आता है सहरसा, क्या आता है सहरसा। तो कटिहार तुम लोग को याद रखना है, मक्का सर्व ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है कटिहार में, समझ तुम लोग आ गया, समझा तुम लोग रे। आप मक्का क्या देख लिए, मक्का देख लिया ना, मक्का के बाद, मक्का के बाद हम देखते हैं क्या, तो मक्का के बाद देख लेते हैं तेलहन, क्या देखते हैं तेलहन, मतलब समझ गया ना, जिससे तेल निकलता है, ऐसे बोले क्या तेल किससे निकलता है, सूर्यमुखी का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, राई का तेल होता है, तीसी का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, सोयाबीन का तेल होता होता है ना। तो तेल उत्पादन करने वाले बोलते हैं तेलहन, क्या बोलते हैं, और तेलहन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो होता है पश्चिम चंपारण, क्या होता है पश्चिम चंपारण, पश्चिम। दूसरा नंबर में आएगा बेगूसराय, क्या आएगा बेगूसराय, ठीक है ना। तो ये हो गया पश्चिम चंपारण हो गया, बेगूसराय हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है दलहन, किस में आता है दलहन, दलहन यानी दाल का उत्पादन, दलहन यानी दाल के, दाल जैसे हो गया क्या चना के दाल हो गया, मटर के दाल हो गया, मसूर का दाल हो गया, अलहल का दाल हो गया, ठीक है। तो जितना भी दाल है वो आता है दलहन में, किसमें आता है दलहन में, कौन कौन आएगा, तो एक नंबर में आएगा पटना, कौन आएगा पटना, दो नंबर में आएगा औरंगाबाद, कौन आएगा औरंगाबाद, और तीन नंबर में आएगा तुम्हारा कैमूर, कौन आएगा कैमूर, कौन आएगा कैमूर, समझ तुम लोग आ गया ना। दलहन के बाद है बंदर, यहाँ ध्यान दे, दलहन के बाद पहुँचते कहाँ पर, पहुँचते गन्नाम, कहाँ पहुँचते हैं गन्नाम, पहुँचते कहाँ पहुँचते हैं, तो गन्ना में एक नंबर जो होगा वो होगा पश्चिम चंपारण, क्या होगा
गन्ना तुम लोग जानते हैं, तो गन्ना में जो एक नंबर होगा वो क्या होगा, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, ठीक है ना। दूसरा नंबर में जो होगा होगा गोपालगंज, क्या होगा, गोपालगंज। और तीसरा नंबर में होगा पूर्वी चंपारण, क्या होगा, चलो पूरे लिख देते हैं, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समझ तुम लोग आ गया ना। आप पहुँचते हैं जूट, कहाँ पहुँचते हैं, तुम लोग को जूट पता है ना, जूट जो होता है वो क्या होता है, पटसन, जूट को ही बोलते हैं पटसन, क्या बोलते हैं, पटसन बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसका कुद्रुम बोलते हैं, उसका अथी, उसका छाल अथी, पानी पहले फूलने दे देते हैं, जब सल जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसका छाल को कुबार लेते हैं, उसी से बनता है रस्सी, क्या बनता है, और उसी का बनता है बोरा, जो भैंसिया गैया को ओढ़ाते हैं, ओढ़ाता है ठंडवा में, तो जूट क्या हो गया, जूट को ही बोलते हैं पटसन, क्या बोलते हैं, पटसन बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं गोल्डन फाइबर, क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, यानी सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा, समझ तुम लोग आ गया ना, सुनहरा रेशा। और पटसन यानी जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो क्या है, तो वह पश्चिम बंगाल, क्या है, पश्चिम बंगाल है। और दूसरा नंबर में जो सर्वाधिक जूट का जो उत्पादन करता है वह बिहार, क्या है, बिहार है, क्या है, बिहार है, समझ तुम लोग आ गया ना। तो जूट हो गया, क्या हो गया, जूट हो गया, ठीक है ना। और इसको सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, गोल्डन फाइबर भी, इसका उत्पादन कहाँ होता है, होता है पूर्णिया में, कहाँ होता है, पूर्णिया, यानी इधर इधर जितना राज्य है ना, इस साइड जो पश्चिम बंगाल से सटल है वह पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल से जो सटल जिला है उसमें भी क्या होगा, उसमें भी थोड़ा थोड़ा उत्पादन होगा ना करेगा, तो पूर्णिया कटिहार सब यहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, किशनगंज हो गया, ठीक है ना, जितना इधर मिल रहा है तुम लोग को, ये समय क्या होता है, यह समय होता है जूट का उत्पादन, क्या होता है। तो लेकिन तुम लोग को पूछेगा कि जूट उत्पादन में पहला राज्य कौन है, पहला राज्य कौन है, तो क्या बोलना है, बोलना है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, क्या है, पश्चिम। और सेकंड राज्य कौन है, तो सेकंड राज्य है बिहार, कौन है, बिहार में भी कौन कौन जिला, तो पूर्णिया कटिहार किशनगंज सब यहीं मिलेगा, किशनगंज यहाँ मिलेगा, पूर्णिया यहाँ मिलेगा, कटिहार यहाँ मिलेगा, फिर कटिहार के बाद भागलपुर, फिर बांका, फिर जम्मू मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो पश्चिम बंगाल सटल है, ठीक है, समझ तुम लोग आ गया, तो जूट के बारे में देख लिए ना। लेकिन पूछेगा जूट का उत्पादन सर्वाधिक कौन देश करता है, तो देश पूछेगा तो बांग्लादेश, देश पूछेगा तो बांग्लादेश, ठीक है ना। ऐसे दो नंबर में आता है भारत, दो नंबर में आता है भारत, समझ तो लोग आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा एक देख लेते हैं, क्या तो देख लेते हैं, तम्बाकू क्या लिखते हैं, तम्बाकू के बारे में यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तम्बाकू क्या लिखते हैं, तम्बाकू का उत्पादन कहाँ था, तम्बाकू तुम लोग जानते हैं ना, तम्बाकू नशाला चीज़ है, पता है ना, हाँ खैनी को, ठीक है। अब यह ध्यान दे, तो तंबाकू क्या देख रहे हैं, तो तंबाकू उत्पादन में जो एक नंबर राज्य है वो सब है, क्या है, दरभंगा है, क्या है, दरभंगा है, सहरसा है, ठीक है ना। तो दरभंगा सहरसा ये सब क्या है, तैमूर उत्पादन में आगे है, तैमूर उत्पादन में क्या है, तैमूर ने तंबाकू उत्पादन में आगे है, ठीक है ना। यहाँ फसल मिट गया था, फसल को हम तीन भाग चार भाग में बांटे थे ना, ये तीरा मार के फसल लिख के एक दो तीन चार भाग में बांट देना है, समझ गया, तब ये सब लिखना शुरू करें, जैसे जैसे पढ़ाए हैं और सोचे तुम लोग को क्या करना है, लिखना है, क्या करना है, चलो लिखो जल्दी छाप। चलिए ध्यान दे, तो बिहार में का हम कृषि के बारे में पढ़ लिए ना, और कौन कौन कृषि होता है ये भी देख लिए हैं। अब देखेंगे बिहार में मतलब कृषि का समस्या क्या है, कृषि का समस्या बिहार ने बताया था कि 60% भाग पर लगभग खेती होता है, 80% जनसंख्या खेती में लगा हुआ है, फिर भी उतना मतलब फसल का उत्पादन क्यों नहीं होता, उतना मतलब धान चावल गेहूं का उत्पादन क्यों नहीं होता, तो समस्या देखते हैं, क्या देखते हैं, ठीक है ना। बिहार में देखता है तुम लोग, पंजाब पंजाब देखता है, पंजाब पंजाब में उतना कृषि क्षेत्र न है, फिर भी वहाँ सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है ना, प्रति हेक्टेयर भूमि चावल और गेहूं के उत्पादन में एक नंबर पंजाब में है ना। लेकिन बिहार में क्या समस्या है, तो बिहार में कृषि समस्याएं इतना क्षेत्र होते हुए भी, इतना खेती होते हुए भी, इतना जनसंख्या काम कर रहा है, 80% जनसंख्या काम कर रहा है, 60% भाग पर खेती हो रहा है, फिर भी यहाँ पर उतना उत्पादन क्यों नहीं होता है, इसका क्या समस्या है, ठीक है ना। तो पहला समस्या क्या है, पहला समस्या जो है वो है खेत का आकार छोटा होना, खेत का आकार छोटा होना। बिहार में जो खेत है ना, किसान के पास जो खेत बहुत छोटा छोटा है ना, अगर मान लो इतना बड़ा खेत है तो इसमें इसके मान लो कि तीन भाग में बंटवारा हो गया, तो हो गया इससे इससे तीन भाग में बट गया ना, अगला जाके और छोटा होगा, और बटेगा और छोटा होगा, और बटेगा तो और छोटा होगा, धीरे धीरे इतना छोटा हो जाता है खेत, उसमें जो है ट्रैक्टर वो नहीं घूम पाता है, कितना खेत इस तरह देखेगा उसमें ट्रैक्टर घूम भी नहीं पाएगा, तो खेत का आकार क्या है, छोटा, क्या है, तो खेत का आकार का छोटा होना, खेत का आकार का छोटा, धीरे धीरे बटाते इतना छोटा होता है कुछ कहने का नहीं, तो खेत का आकार का छोटा होना,
उत्तरी बिहार में थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, उत्तरी बिहार या टाल क्षेत्र जो है, टाल क्षेत्र में थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, लेकिन दक्षिणी बिहार में तो और छोटा 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 खेत है ना। तो पहला कारण क्या है, खेत का आकार का छोटा होना, खेत का आकार का छोटा होना। और कारण क्या है, तो और कारण क्या है यहाँ पर पता है, तो उन्नत, उन्नत मतलब जो अच्छा किस्म का, ठीक है ना, अच्छा किस्म का जो औजार है खेती करने के लिए, तो उन्नत किस्म, उन्नत किस्म का कृषि यंत्र का अभाव। यहाँ पर देखता है तुम लोग, कृषि यंत्र का उतना प्रयोग नहीं करता है। जहाँ बड़ा बड़ा खेत रहेगा वहाँ देखना कृषि यंत्र का प्रयोग करेगा, मशीनों के द्वारा धान को बुआई कर देगा, धान का कटाई कर देगा, मशीनों के द्वारा क्या करेगा उसमें मतलब जो है उर्वरक का छिटाई कर देगा, करता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है उन्नत किस्म का कृषि यंत्र का क्या है, अभाव है। यानी बिहार में जो है ज़्यादा कृषि यंत्र का अभाव प्रयोग नहीं करता, अगर करता भी है तो उन्नत किस्म का ना होता, उन्नत मतलब अच्छा किस्म का नहीं होता है। और कारण क्या है, तो परंपरागत बीज का प्रयोग करता है। परंपरागत मतलब समझ रहा है, जो तुम्हारा बाबा दादा प्रयोग कर रहा था बीज, वही तुम भी प्रयोग कर रहा है। अब तो टेक्निकल आगे बढ़ रहा है ना, न बढ़ रहा है तो अच्छा बीज का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन परंपरागत बीज का प्रयोग कर रहे हैं। परंपरागत बीज का प्रयोग कर रहे हैं, वही जो पुराना बीज जो था, जो सब प्रयोग करते आ रहा है, वही यहाँ पर भी कर देता है। लेकिन जो अच्छा किस्म का जो बीज है उसका प्रयोग करो, तो नहीं, तो परंपरागत बीज का प्रयोग करना, परंपरागत बीज का प्रयोग करना। ऐसे कारण भी क्या होता है, बिहार में कृषि समस्या है और कम फसल का उत्पादन होता है। कम फसल का क्या होता है, उत्पादन होता है। और समस्या देखेंगे तो क्या है, देख परंपरागत बीज का प्रयोग करना, परंपरागत बीज का प्रयोग करना। और हम समस्याएं देखें तो यहाँ पर और समस्या क्या होगा, तो यहाँ पर है क्या, वर्षा के अनियमितता, यानी वर्षा जो है टाइम पर ना होता है। कभी वर्षा कब हो जाएगा, कभी कब हो जाएगा, कभी ठंडा में वर्षा, अभी तो ठंडा में हो रहा है ना, इधर तो हो रहा है ना। तो वर्षा की अनियमितता, यानी वर्षा जो है टाइम पर ना होता है, कब हो जाएगा कहना मुश्किल है। कभी कभी धान पक गया, धान काटने का समय है, तो उसी समय वर्षा हो जाता है ना, उस समय होना चाहिए क्या, ना होना चाहिए ना। तो वर्षा की अनियमितता, क्या वर्षा की अनियमितता, ठीक है। और कारण हम बोल सकते हैं क्या, बिहार में जो किसान है वो क्या है, गरीब, क्या है, और पंजाब हरियाणा का जो किसान है वो काफ़ी अमीर है, क्या है। तो बिहार के किसान क्या है, गरीब। गरीब रहने के कारण क्या है कि पुराना तरह से खेती कर रहा है, तो पैसा उतना होगा कहाँ, होगा। तो यहाँ पर किसान के पास क्या है, पूंजी का अभाव है, क्या है, अभाव है। समझ आ गया ना, जब पूंजी का अभाव रहेगा तो अच्छा बीज का प्रयोग नहीं कर पाएगा, अच्छा उर्वरक का प्रयोग नहीं कर पाएगा, अच्छा कृषि यंत्र का प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पूंजी का अभाव। और हम कारण देखें तो और कारण क्या हो सकता है, तो और कारण हो सकता है यहाँ पर बाढ़ की समस्याएँ, बाढ़ की। उत्तरी बिहार में इतना बाढ़ होता है कि खेतों में जितना फसल लगल है सब ले लेकर बह जाएगा, गंगा नदी में लेकर चल जाएगा, तो बाढ़ की समस्याएँ, बाढ़ की। और दक्षिणी बिहार में, उत्तरी बिहार में ही है, कहाँ पर है, उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या है, उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या, और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ की समस्या। तो सुखाड़ की समस्या भी क्या करता है, कृषि को मतलब कृषि में क्या है, समस्या है। बिहार के कृषि में क्या है, समस्या है, समझ लो क्या। और हम क्या लिख सकते हैं, तो और लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है बहुत मात्रा में उर्वरक का प्रयोग कर देने पर, कीटनाशक का प्रयोग कर देने पर, उर्वरक मतलब समझते हैं तुम लोग, यूरिया DAP पोटास, इसका बहुत मात्रा में प्रयोग कर देने पर, और कीटनाशक यानी जो कीट को मारता है उसका बहुत मात्रा में प्रयोग कर देने पर मिट्टी की गुणवत्ता घट जाता है, क्या होता है, गुणवत्ता घट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोले कि अधिक मात्रा में उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करना, कीटनाशक का, जिससे क्या होता है, जिससे फसल तो बच जाता है लेकिन मिट्टी के जो ढेर खराब हो जाता है, क्या होता है। तो अधिक मात्रा में उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करना, ये भी समस्या है कृषि का। तो बोलेगा तुम लोग को आएगा 5 नंबर में या 2 नंबर में आ जाएगा कि बिहार में कृषि का क्या क्या समस्या है, तो लिख देगा आराम से, ना लिख पाएगा, 2 नंबर का रहेगा तो 5 को लिख देना है, अगर 5 नंबर का आ गया तो पूरा लिखना है, समय तुम लोग आ गया ना। चलो और हम क्या बोल सकते हैं, अधिक मात्रा में उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करना, कीटनाशक का। और हम क्या बोल सकते हैं, तो और बोल सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, मिट्टी का अपरदन होता है। अपरदन मतलब होता है क्या, कि आएगा बहुत पानी आएगा, बाढ़ आएगा, ऊपर वाला मिट्टी काट के लेकर चल जाएगा, क्या करेगा, ऊपर वाला मिट्टी काट के, और ऊपरी मिट्टी ही उपजाऊ होता है, क्या होता है, ऊपरी मिट्टी क्या होता है, उपजाऊ क्या होता है, यानी मिट्टी का कटाई को बोलते हैं अपरदन, क्या बोलते हैं, तो मिट्टी का अपरदन एवं भूमि निम्नीकरण। जब अपरदन होगा तो क्या होगा, भूमि का गुणवत्ता घट जाएगा, तो भूमि निम्नीकरण की समस्याएं। तो ये सब है बिहार में कृषि की समस्याएं, लिख देगा आराम से, कोई दिक्कत है।
तो बिहार बोलेगा बिहार में कृषि का क्या क्या समस्या, आराम से लिख देगा ना। चलो अब देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं पढ़ते हैं कि बिहार में जो है कृषि के विकास के लिए कौन कौन नहर बनाया गया, क्या बनाया गया नहर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पढ़ रहा है बिहार में नहर, बिहार में नहर, क्योंकि नहर नदी से क्या करेगा, नहर निकालेगा, क्योंकि नदी तो सब जगह नहीं जाता है, नदी सब जगह जाता है कि तुम लोग का जो बाजार होता है जहाँ खेत होता है वहाँ नदी गया है कि नदी नहीं गया है, लेकिन नहर के माध्यम से पानी पहुँच जाता है ना। तो नहर विकास जितना होगा, नहर का विकास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कृषि का भी विकास होगा, होगा ना। तो नहर का देखते हैं बिहार में नहर, क्या देखते हैं बिहार में, तो बिहार का जो सबसे पहला नहर, याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लोग को आता है कि बिहार का सबसे पहला नहर परियोजना कौन है, तो सोन नहर, कौन है सोन नहर, याद रखना। तो बिहार का जो सबसे पहला नहर है वो कौन सा है, सोन नहर है, कौन नहर है सोन नहर है। और कहा जाता है कि सोन नदी में जो है क्या निकलता है, इसका सोन क्या निकलता है, सोना मिलता है, क्या मिलता है, इसका नाम पड़ गया सोन नहर, क्या सोन नदी, क्या पड़ा सोन नहर जो है कहाँ से पानी लेता है, तो लेता है सोन नदी से, कहाँ से लेता है सोन नदी से पानी लेता है, सोन नदी में इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका रेत में क्या मिलता है सोना, क्या मिलता है सोना मिलता है, सोना नहीं जाना कि नमजाना बलो उठा नकली सोन में मिल जाएगा, उस तरह ना होता है। लगभग 10 टन बालू लगा, क्या लगा 10 टन बालू लगा, तो उसमें मात्र 1 ग्राम सोना तुम लोग को मिल सकता है, ना कि खाली गया लूट ले बलुआ खाली सोन में है, उस तरह ना होता है, ठीक है ना। यानी 10 टन बालू में 1 ग्राम सोना मिलेगा, ठीक है। तो सोन नहर क्या है, तो सोन नहर जो अपना पानी कहाँ से प्राप्त करता है, पानी अपना प्राप्त करता है सोन नदी से, कहाँ से करता है, अच्छा सोन नहर, सोन नदी, सोन नदी, आई जो है नी दक्षिणी बिहार का नहर है, कहाँ का बिहार का नहर है, दक्षिणी बिहार का, दक्षिणी यानी गंगा नदी के ये क्षेत्र में, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम बिहार का इस तरह मैप बनाएं, ठीक है ना, इस तरह बना दें, तो यहाँ पर यहाँ इधर से जाता है सोन नदी, ठीक है ना, जाता है सोन नदी, कहाँ जाता है, और यहाँ पर जाकर गंगा में क्या होता है, मिल जाता है गंगा में, पटना के पास जाके मिल जाता है, ये सोन नदी है, क्या है सोन नदी है, गंगा के पास जाके पटना मिल जाता है। कहाँ से निकलता है सोन नदी, तो सोन नदी निकलता है एमपी में, एमपी में एक पर्वत है अमरकंटक, क्या है, तो एमपी में एक पर्वत है, मध्य प्रदेश में एक पर्वत है अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक की चोटी से निकलता है सोन नदी, उसके मध्य प्रदेश बहते हुए कहाँ घुसता है, बिहार में घुसता है, और बिहार से फिर गंगा नदी में जाके मिल जाती है, गंगा नदी में जाके मिल, और इससे जो नहर निकाले उसको बोलते हैं सोन नहर, क्या बोलते हैं सोन नहर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है सोन नहर जो है कब बना, तो 1874 ईस्वी में बना, और ये बिहार का सबसे पुरानी नहर परियोजना है। क्या है पूछेगा, बिहार का सबसे पुरानी नहर परियोजना कौन है, तो बिहार का सबसे पुरानी नहर, सबसे पुरानी नहर कौन है, तो सोन नहर, क्या है सोन नहर है, सोन नहर है। इससे जो है ना, इससे लगभग कितना सिंचाई होता है, तो लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई होता है, कितना होता है, कभी कभी तुमको 4.5 लाख भी दे ले रहेगा, ठीक है ना। तो 4 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई होता है सोन नदी से, किससे होता है सोन नदी से, नहीं सोन नहर से, सोन नदी से जो नहर निकला उसको बोलते हैं सोन नहर, क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है, तो हम पढ़ लिए किसके बारे में, सोन नहर के बारे में पढ़ लिए, कोई दिक्कत है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद जो नहर आता है वो होता है सारण नहर, क्या होता है सारण नहर, सारण नहर का अब जो नाम पड़ गया है वो पड़ गया नाम इसका, अन्य नाम इसका हो गया, जो अब इसका जो मेन नाम हो गया वो नाम हो गया, क्या हो गया, गोपालगंज नहर, क्या हो गया गोपालगंज, सारण से सटल है, ठीक है ना, तो इसका नाम पड़ गया क्या गोपालगंज नहर, क्योंकि सारण नहर कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, गोपालगंज में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अब क्या, इसका नाम पड़ गया है गोपालगंज नहर। यह कब बना है, तो यह बना है इसमें 6 साल जोड़ देते हैं 1880 ईस्वी में, और ये कहाँ पर है, तो सारण जो है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ तुमको मिलेगा पश्चिमी चंपारण, ठीक है ना, फिर गोपालगंज मिलेगा, फिर सारण मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा कहाँ पर है, उत्तरी बिहार में, कहाँ पर है, उत्तरी बिहार में है, उत्तरी बिहार में। तुमको क्वेश्चन आएगा इससे, क्योंकि सबसे पहला जो उसी से आएगा, समय तुमको आ गया। अगला जो बोल सकते हैं, अगला जो नहर है उससे भी क्वेश्चन आता है, उसका नाम क्या है, सारण नहर देख लिए, और एक तो है पश्चिम चंपारण में, कहाँ पर है पश्चिम चंपारण, यहाँ पर तुमको पश्चिम चंपारण मिलेगा, फिर मिलेगा तुमको पूर्वी चंपारण, क्या मिलेगा पूर्वी चंपारण। तो पश्चिम चंपारण में एक नहर है जिसको बोलते हैं त्रिवेणी नहर, क्या बोलते हैं त्रिवेणी नहर, क्या बोलते हैं त्रिवेणी नहर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए बंदर त्रिवेणी नहर मिलते बोलते हैं, ठीक है ना। और त्रिवेणी नहर जो है ये अपना पानी प्राप्त करता है किससे, तो गंडक नदी से, कैसे करता है गंडक नदी से, गंडक, अभी तुमको पढ़ाएंगे गंडक परियोजना, तो बताएंगे गंडक परियोजना जो है कहाँ पर है, तो पश्चिम चंपारण में एक जगह है वाल्मीकि नगर, क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि गंडक परियोजना कौन नदी कहाँ पर है, तो वाल्मीकि नगर में, वाल्मीकि नगर कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में, कौन जिला में है पश्चिम चंपारण में, ठीक है ना। तो त्रिवेणी नहर मेरा कहाँ पर हो गया पश्चिम चंपारण में, कहाँ पर हो गया
पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण में ही वाल्मीकि नगर है, वहीं पर त्रिवेणी नहर बनाया गया, त्रिवेणी नहर बनाया गया है। कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 1903 ईस्वी में बनाया गया है, ठीक है ना। और त्रिवेणी नहर जो अपना पानी प्राप्त करता है, करता है गंडक नदी से। कैसे करता है? गंडक नदी से। पढ़ लिया ना, ये सब हो गया क्या? ये सब देखो 1903, 1880 और 1874, ये सब क्या है? भारत की आज़ादी से पहले, भारत की आज़ादी से। अब देखते हैं भारत की आज़ादी के बाद जो नहर बना, भारत की आज़ादी के बाद जो नहर बना, ठीक है ना। आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद, यही हुआ ना। 1947 के बाद जो बंद है, 1947 के बाद जो नहर बना, ठीक है ना, उसमें जो पहला आता है वो आता है कोसी नहर। क्या आता है? कोसी नहर। कोसी नहर अपना पानी कहाँ से प्राप्त करता है, जल्दी बता दे। कोसी नहर जो है अपना पानी कहाँ से प्राप्त करेगा? तो कोसी नदी से करेगा। अरे बंदर हम ले रह जाएगा। कोसी नहर जो गंगा नदी से पानी प्राप्त करेगा, कोसी नदी से। कहाँ से पूछेंगे? सोन नहर जो है अपना पानी कहाँ से प्राप्त करता है? तो बोलेगा गंगा नदी। सोन नदी से करेगा, तो कोसी नदी से। कहाँ से करता है? कोसी नदी से। और ये बना था कब? तो 1955 ईस्वी में, यानी भारत आज़ादी के बाद 1955 ईस्वी में ये बनना स्टार्ट हुआ, यानी बन गया था। क्या हुआ? बन गया था कब? 1955 ईस्वी में, ठीक है ना। और इसको कोसी नहर जो है इसको दो भाग में बांट दिया गया। एक भाग यहाँ कोसी नदी निकलती है, गंगा नदी में आके मिल जाती है, ठीक है ना। और कोसी नदी, तुम लोग पता है कोसी नदी जो है विख्यात है क्या? अपना मार्ग बदलने के लिए, यानी अपना मार्ग ही बहुत बदलता है, ठीक है ना। आज इधर से बह रहा है, ये टोला से कल दूसरा टोला से जाकर बहने लगेगा, ठीक है। तो ये अपना मार्ग बदलने के लिए फेमस है, ठीक है ना। काफ़ी तीव्र ढाल से बहता है, क्योंकि इधर क्या हिमालय है, तो हिमालय क्या है ऊँचा है, इधर क्या है नीचा है। तो ऊपर से आता है ना भरने पनिया आता है, जरी चीज आपको स्पीड में आ रहा है, थोड़ा सा भी चेंज करेगा अपना डायरेक्शन तो दूसरा जगह ना घुस जाएगा। तो ये अपना मार्ग बदलने के लिए भी फेमस है, इसलिए इसको बोलते हैं बिहार का शोक। क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं, समझ पे लोग आ गया ना। और इसको जो है एक नहर इधर चल गया, एक नहर इधर चल गया। जो नहर इधर गया, इधर पश्चिम होता है, क्या होता है उसको बोलते हैं पश्चिमी नहर। पश्चिमी नहर हो जाएगा, जो पूर्व में गया हो जाएगा पूर्वी नहर। क्या जाएगा? पूर्वी नहर का जो लंबाई है 44 किलोमीटर, कितना है? और इधर जो पश्चिमी नहर है वो लगभग 115 किलोमीटर है, कितना है? 115 किलोमीटर है, समझ तुम लोग आ गया। तो तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कोसी नहर कब बना, तो क्या बना है? 1955। दूसरा आता है गंडक नहर, क्या आता है? गंडक नहर। तो गंडक नहर जो तुम लोग को बताया कि गंडक नहर जो है यहाँ से बहते हुए यहाँ से पश्चिम चंपारण प्रवेश करता है, फिर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये पश्चिम चंपारण से होकर बहती है कौन? गंडक नदी। कौन बहती है? तो गंडक नहर जो है अपना पानी कहाँ से प्राप्त करता है? तो गंडक नदी से, गंडक नदी से प्राप्त करता है, गंडक नदी से प्राप्त करता है, ठीक है ना। अभी हम नहर के बारे में पढ़ा रहे हैं, फिर परियोजना के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। परियोजना में समझ रहा है, जब बांध बन जाएगा उस पर, और जब तक बांध ना बनाएगा तब तक तुम लोग नहर भी नहीं बनेगा, समझ आ रहा है ना। तो नहर बना तो क्या, जब बांध बनाएगा तो वहाँ पानी डिकेगा, पनिया डिकेगा तो पनिया को नहर में डाल देंगे ना। तो तब हम अभी नहर बना रहे हैं, और नहर के बारे में पढ़ाएंगे तुम लोग को बांध। बांध बोले तो परियोजना बनेगा, तभी नहर निकलेगा, समझ तुम लोग आएगा। तो गंडक नदी कहाँ से, और ये कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। और पश्चिम चंपारण में कहाँ पर? तो यहाँ पर ध्यान दे, ये है कहाँ पर? तो वाल्मीकि नगर में। कहाँ पर है? याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि नगर से क्वेश्चन बहुत बड़ा गया है कि गंडक नहर कहाँ पर है, या गंडक परियोजना पढ़ाएंगे तो गंडक परियोजना भी आएगा। तो कहाँ पर है? वाल्मीकि नगर में। और ये या तो त्रिवेणी भी दे सकता है, त्रिवेणी यहाँ भी लिखा है ना, ना लिखा है तो समय तो आ गया। तो गंडक कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण है, वाल्मीकि नगर में है, वाल्मीकि नगर में है। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, तो ये हम पढ़ लिए थोड़ा नहर के बारे में, किसके बारे में पढ़ लिए? अब पढ़ेंगे परियोजना के बारे में, क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। नदी घाटी परियोजना, क्या पढ़ेंगे? नदी घाटी परियोजना, या इसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय मतलब वैसा परियोजना जिसका उद्देश्य बहुत सारा काम का पूर्ति करना हो। जैसे बांध बना दिए, तो बांध बनाने से क्या होता है? बाढ़ रुक जाता है, बाढ़ की समस्या समाप्त होता है ना। फिर उससे क्या होता है? उससे नहर को निकाल लेते हैं, उससे क्या होता है? सिंचाई होता है। फिर क्या होता है उससे? फिर वहाँ पर मछली पालन भी होता है। फिर उससे क्या होता है? उससे यातायात का सुविधा बढ़ जाता है, पर्यटन का विकास होता है। तो इससे क्या हुआ? तो हम और फिर बिजली का भी उत्पादन होता है ना। तो उसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यानी वैसा परियोजना जिसका उद्देश्य बहुत सारा काम का पूर्ति करना हो, उसे क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इससे पहला परियोजना पढ़ेंगे क्या? कोसी नदी घाटी परियोजना। क्या पढ़ेंगे? कोसी नदी, ऐसे बिहार का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना क्या हो जाएगा? बिहार का तो हो जाएगा कौन? सोन नदी। क्या हो जाएगा? कि सोन में पहले नहर बना था ना, तो सोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोन। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? कोसी से। कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं? कोसी नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। तो बता चुके हैं कोसी नदी घाटी परियोजना जो है ये कौन नदी पर बना है?
तो ये बना है किस पर, तो ये बना है कोसी नदी पर। किस पर बना है? कोसी नदी पर बना है, कोसी नदी पर बना है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। शोक मतलब कब मनाते हैं? जब कुछ दुख होता है तब ना। तो ये कोसी नदी जो है बिहार में कई दुखे लाता है, यानी इतना इधर से पानी लाएगा नेपाल से कि बिहार में ना पूरा बाढ़ की समस्या कर देता है, ठीक है ना। इसका और सहायक नदी है, इधर अपनी कमला है, इधर अपनी बागमती है, सब आके इसमें पनिया भर देता है। और ये पनिया भर देता है तो सही है, तो एक के दिशा में बहे तब ना, कभी यहाँ से बहने लगा तो कभी इधर फूट जाएगा, कभी इधर फूट जाएगा, यानी कहाँ बहा देगा कहना मुश्किल है। इससे उसको बोलते हैं बिहार का शोक, बिहार का शोक। अब बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता था, अब न कहा जाता था, समझ तुम कहा गया। इसलिए कोसी नदी को पर काबू करने के लिए, कोसी नदी पर लगाम लगाने के लिए इस पर बनाए थे क्या, कोसी नदी घाटी परियोजना बना दी, यानी बांध बना दिए। बांध बनाने से क्या करे, बांध बनाने से क्या होगा, बाढ़ का नियंत्रण, क्या होगा बाढ़ का, तो बिहार का शोक कहा जाता है इसको, ठीक है ना। और ये क्या है, कोसी नदी जो है सबसे तेज ढाल से बहने वाला नदी है, सबसे तेज ढाल से, सबसे तेज ढाल, सबसे तेज ढाल से बहने वाला नदी, बहने वाला नदी, बहने वाला ये नदी है, सबसे तेज ढाल से बहता है, काफ़ी तीव्र ढाल से ये बहता है, काफ़ी तीव्र ढाल से बहता है। और कोसी नदी घाटी परियोजना ये कब बना, 1955, कब बना, 1955 में बना। तो 1955 में नहर भी बना दिए हैं, तो कोसी नहर कहलाया, क्या कहलाया, कोसी नहर कहलाया, बनाए थे 1955 में। वहाँ जो पनिया डिका, पनिया जो डिका था उससे क्या किया, नहर निकाल लिए, तो बन गया कोसी नहर, क्या बन गया, कोसी नहर 1955 में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दे, बोले कोसी नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य इसका था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो वो था बाढ़ का नियंत्रण। क्या था? बाढ़ का नियंत्रण, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बाढ़ का नियंत्रण। अब बाढ़ का नियंत्रण मुख्य उद्देश्य था, लेकिन अब यहाँ पर बिजली का भी उत्पादन हो रहा है, मछली पालन भी हो रहा है, सिंचाई का भी काम हो रहा है, तो बहुत सारा काम हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये बन गया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बन गया है, समझ तो लोग आ गया ना। तो कोसी नदी घाटी परियोजना जो है ये कहाँ पर बना हुआ था, याद रखना कहाँ पर ये बना हुआ है, तो ये है यहाँ पर, देख यहाँ पर, यहाँ नहीं रहा है ना, यहाँ पर क्या, इधर है नेपाल, इधर क्या है, तो नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर बना हुआ है। डायरेक्ट पूछता है कहाँ पर है कोसी नदी घाटी परियोजना, कहाँ पर बना हुआ है, तो बोलना है बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर एक जगह है हनुमानगढ़। कहाँ पर है? हनुमानगढ़। क्या है? हनुमानगढ़ है, ठीक है ना। तो हनुमानगढ़ में बना हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लोग को पूछ देता है कि कोसी नदी घाटी परियोजना कहाँ बना हुआ, चार गो ऑप्शन में रहेगा, रहेगा वाल्मीकि नगर, हनुमानगढ़, त्रिवेणी, कुछ कुछ ऑप्शन दे देगा, तो क्या होगा हनुमानगढ़, कहाँ क्या होगा, हनुमानगढ़, समझ आ गया। लेकिन गंडक नहर पूछेगा तो वाल्मीकि नगर, गंडक परियोजना भी पढ़ाएंगे तो गंडक परियोजना भी पूछेगा तो वाल्मीकि नगर, समझ आ गया ना। अब त्रिवेणी नहर भी पूछेगा तो ये भी कहाँ है, वाल्मीकि नगर में है, त्रिवेणी स्थान पर, त्रिवेणी नामक स्थान पर, समझ तुम लोग आ गया। अब इसके बाद कोसी नदी घाटी परियोजना के बाद पढ़ेंगे हम सोन नदी घाटी परियोजना, फिर पढ़ेंगे गंडक नदी घाटी परियोजना, फिर पढ़ेंगे वन के बारे में, किसके बारे में, फिर पढ़ेंगे बिहार में खनिज के बारे में, बिहार में कौन कौन खनिज मिलता है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, जल्दी छाप जल्दी कर। चल यहाँ ध्यान दे, तो हम पढ़ रहे थे कोसी नदी घाटी परियोजना, पढ़ लिया ना, कोसी नदी घाटी परियोजना के बारे में लिख देना कि यह बिहार का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है, बड़ा नदी घाटी परियोजना है, समझ तुम लोग आ गया, समझ तुम लोग आ गया ना, बड़ा है क्या है। और पुराना पूछेगा तो सोन, पुराना पूछेगा तो सोन वाला, ठीक है। अगला हम देखते हैं कोसी के बाद देखते हैं क्या, तो देखते हैं सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, ये कौन नदी पर है, सोन नदी पर है, कौन सा नदी पर है, तो सिंपल बात है नदी का नाम कौन है, तो सोन नदी कौन है, सोन नदी पर है, कहाँ पर है, सोन नदी पर है, ठीक है ना, किस पर है, सोन नदी पर। अब यहाँ ध्यान दे, इसके बारे में पूछता है कहाँ पर है, पता है, तो ये है इंद्रपुरी में, कहाँ पर है, रोहतास के आसपास एक जगह है जिसका नाम है इंद्रपुरी, क्या है, इंद्रपुरी, ये है उत्तर, ये कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम बिहार में, दक्षिण पश्चिम बिहार में सोन नदी घाटी परियोजना है, कहाँ पर है, यह दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण पश्चिम तो समझ रहा है ना, यहाँ ध्यान दे, जैसे बिहार का भी मानचित्र बनाए थे ना ऐसे करके, यहाँ ध्यान दे, ऐसे ऐसे उसके बाद इस तरह करके बनाया है ना, आ तो यहाँ पर इसको यहाँ पर ऊपर क्या हुआ, ऊपर हुआ उत्तर, क्या हुआ, दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर इधर पश्चिम, इधर पूरब, तो ई जो है ये क्या है, तो यह दक्षिण और पश्चिम, यानी इस क्षेत्र में है, क्या बना हुआ, यह क्षेत्र बना हुआ है सोन नदी घाटी परियोजना, यानी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम बिहार में, दक्षिण पश्चिम बिहार में, और दक्षिण पश्चिम बिहार में जगह है इंद्रपुरी, क्या रखना, इंद्रपुरी, ठीक है ना। और इससे जो नहर निकला उस नहर को क्या बोलते हैं, तो सोन नदी घाटी परियोजना से जो नहर निकला उसको बोलते हैं सोन नहर, क्या बोलते हैं,
सोन नहर बोलते हैं। अब बता चुके हैं कब बना, 1955 में, कब बन, सॉरी 1874 में, 1874 में, जो बिहार का सबसे पुरानी नहर है, पता है तुम लोग को, 1874 में, ठीक है। सोन नदी के बारे में उतना अब याद नहीं रखना है, बता चुके हैं कि इससे लगभग 4 लाख, सोन नहर से लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई होता है, सिंचाई होता है। अगला जो याद रखना है वो याद रखना है गंडक परियोजना, क्या रखना है, गंडक परियोजना, गंडक परियोजना, गंडक परियोजना, गंडक नदी पर, गंडक नदी यहाँ से पश्चिम चंपारण, यहाँ अथी इधर से नेपाल से निकलेगा, पश्चिम चंपारण होते हुए गंगा नदी में आके मिल जाएगी, गंगा नदी में आके मिल जाएगी। तो ये गंडक परियोजना कौन नदी पर बना है, तो गंडक नदी पर, कौन नदी पर बना है, गंडक नदी पर बना है, गंडक नदी पर बना है। कहाँ पर गंडक नदी में, तो पश्चिम चंपारण, राज कौन है, राज है मेरा पश्चिम चंपारण, यहाँ पर है पश्चिम चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण है, ठीक है ना, फिर सीतामढ़ी मधुबनी ये सब आएगा, ठीक है। तो राज है मेरा क्या, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण में कहाँ पर, तो पश्चिम चंपारण में एक जगह है याद रखना, वाल्मीकि नगर, इससे क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है वाल्मीकि नगर से क्वेश्चन, ठीक है ना। तो गंडक परियोजना पूछेगा तो बोलना है वाल्मीकि नगर, कभी कभी वाल्मीकि नगर ना लिख देगा, वाल्मीकि नगर के कहाँ पर है, तो वाल्मीकि नगर है कहाँ पर, तो वाल्मीकि नगर है भैंसा लोटन जगह पर, कहाँ पर है याद रखना, भैंसिया जहाँ लौटता है उसको बोलते हैं भैंसा लोटन। तो कभी कभी वाल्मीकि नगर ना लिख के दे देगा भैंसा लोटन, क्या दे देगा, भैंसा लोटन, समझ तो लगा गया ना। और इसी से गंडके नदी से, गंडके नदी से दो नहर निकला है, पता है तुम लोग को, बताए थे, क्या बताए थे, गंडक नदी से दो ठो नहर निकला था, एक बोले थे यहाँ ढंड, गंडके नदी से दो ठो नहर निकला था, दो ठो नहर निकला था, दोनों नाम बता, जल्दी बता, हाँ गंडक नदी से दो गो नहर निकला, दोनों नहर के नाम बता जल्दी, क्या बताए थे, एक बताए थे गंडक नहर, क्या बताए थे, गंडक नहर, एक बताए थे त्रिवेणी नहर, बताए थे त्रिवेणी नहर, बताए थे ना, तो यही दोनों निकला है किससे, तो ये निकला है गंडक परियोजना, परियोजना जब गंडक नदी पर बन गया तो वहाँ के पानी नहर द्वारा निकाल गया है, निकाला गया है गंडक नहर और त्रिवेणी नहर। गंडक नहर कहाँ है, वाल्मीकि नगर, त्रिवेणी नहर अभी लगभग वाल्मीकि नगर के आसपास है, समय तो लोग आ गया ना, कोई दिक्कत है, तो ये हम पढ़ लिए तीन गो नहर के बारे में पढ़ लिए ना। तो तुम लोग को पूछेगा कि बता, यहाँ ध्यान दे, गंडक परियोजना जो है ना ये उत्तरी बिहार, उत्तर में है, कहाँ पर है, उत्तर में गंडक नदी है ना, दक्षिण में ना, उत्तर में, कहाँ पर, तो ये उत्तरी बिहार का दूसरी बड़ी परियोजना है, उत्तरी बिहार का, उत्तरी बिहार का दूसरी बड़ी परियोजना, दूसरी बड़ी परियोजना है। तो पूछेगा उत्तरी बिहार का पहली बड़ी परियोजना कौन है, तो पहली बड़ी परियोजना हो जाएगा हपगरा, सोन नदी दक्षिण में है, कोसी नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना जो है उत्तरी बिहार का सबसे बड़ी परियोजना है, दूसरी क्या है, गंडक नदी परियोजना, समझ तुम लोग आ गया, तो पढ़ लिए किसके बारे में, परियोजना के बारे में। अब थोड़ा देखते हैं, एक चीज़ तुम लोग को बताया था कि बिहार में समस्या क्या है, कृषि में समस्या क्या है, तो एक चीज़ उसमें और जोड़ सकता है 10 नंबर में, क्या कि बिहार में जो है सिंचाई का अभाव है, सिंचाई व्यवस्था का क्या है, अभाव है, जोड़ लेना, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं कि यहाँ बिहार में सिंचाई किसके द्वारा ज़्यादा होता है, तो बिहार में सिंचाई जो होता है ना वो होता है, सिंचाई का जो साधन है वो पहला है, यहाँ ध्यान दे, पहला है नलकूप, क्या है नलकूप, मतलब समझ रहे हैं, जमीन के अंदर से, जमीन के अंदर से पानी प्राप्त करते हैं नल के माध्यम, नलकूप के माध्यम से, मोटर के माध्यम से, उसको बोलते हैं नलकूप, क्या बोलते हैं नलकूप। दूसरा क्या है, दूसरा है नहर, क्या है नहर, और तीसरा में रखते हैं ऐन, क्या रखते हैं ऐन। तो पूछेगा पूछेगा कि बिहार में पूछेगा कि सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होता है, तो बोलना नलकूप, क्या बोलना है, नलकूप के माध्यम से होता है लगभग 63%, कभी कभी 64 भी दे देगा, ठीक है ना, 63 ना देगा तो 64 भी दे देगा, ठीक है ना, लेकिन 63% लगभग नलकूप से बिहार में सिंचाई होता है, 20% होता है नहर, नहर भी पढ़ाए ना, बहुत नहीं पढ़ाए थे तुम लोग को, सोन नहर पढ़ाए थे, त्रिवेणी नहर पढ़ाए थे, गंडक नहर पढ़ाए थे ना, तो नहर के द्वारा होता है 20%, क्या होता है 20% बिहार में सिंचाई होता है। और ऐन में क्या आ जाएगा, तो ऐन में आ जाएगा आहरा पोखर, ये सब किस में आएगा, ऐन में किस में आएगा, आहरा हो जाएगा, ठीक है ना, आला हो जाएगा, फिर क्या जाएगा, पोखर हो जाएगा, ठीक है, फिर पैन, पैन तुम लोग समझता है ना, पनिया जो बोलते हैं तो उसको बोलते हैं पाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिछला बार 2021 में क्वेश्चन आया था कि पाइन
कहाँ का सिंचाई परियोजना है, तो पानी कहाँ के लिए फेमस है, बिहार में फेमस है ना, बोलता बिहार नजारा बोलता हरा पोखर पानी बोलता है ना, तो पूछेगा कहाँ के फेमस है, तो बिहार के लिए फेमस है, बिहार के लिए फेमस है, समझ तुमने कहा गया। तो पूछेगा बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होता है, तो बोलना नलकूप, क्या बोलना है, बोलेगा पाइन पोखर आरा कहाँ पाया जाता है, कहाँ के मतलब कहाँ का क्षेत्रीय भाषा है, कहाँ के मतलब सिंचाई परियोजना है, तो बोलना बिहार, क्या बोलना है, बिहार का, समझ तुमने कहा गया। हाँ, अब बिहार में यहाँ ध्यान दे, और नलकूप से जो पानी प्राप्त होता है वो भूमि के अंदर से होता है, क्या होता है, भूमिगत जल हमको प्राप्त होता है किससे, तो भूमिगत जल हमको प्राप्त होता है कुआं से, कुआं से भी नहीं प्राप्त होता है, भूमिगत जल में कुआं भी आ जाएगा और मोटर वोटर से जो पानी निकालते हैं नलकूप उलकूप से वो भी आ जाएगा भूमिगत जल में, ठीक है ना। और धरातल जल, धरातल पर बहने वाला जल को बोलते हैं धरातल जल, क्या बोलते हैं, तो धरातल जल में क्या आएगा, तो नदी का पानी आ जाएगा ना, आएगा झील का पानी आ जाएगा, ये सब क्या है, धरातल पर है यानी जमीन पर है, किस पर है, जमीन पर, समझ तुमने कहा गया। ये पढ़ लिए किसके बारे में, ये पढ़ लिए नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ लिए ना, समझ तुमने कहा गया। अब हम पढ़ते हैं जंगल, बिहार में जंगल है कि ना, तो देखो कोई भी देश में यहाँ राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बिहार में वन, बिहार में तो बिहार में वन के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिहार में वन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि तुमको बताया थी कोई भी देश हो ठीक है ना, उसमें कितना परसेंट वन रहेगा तो अच्छा है, मतलब अच्छा माना जाता है ठीक है ना, पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय वन नीति एक संस्थान है, क्या है ठीक है ना, इसके अनुसार किसी भी क्षेत्र में 33.3% वन होना चाहिए, 33.3% वन होना चाहिए, समझ तुमने कहा गया। लेकिन बिहार में यहाँ ध्यान दे, लेकिन बिहार में कितना है, भारत में बोलेंगे तो कितना वन है, तो बिहार भारत में 2019 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में पहले था 19% वन लगभग था, 19.01% था, लेकिन अब हो गया कितना, तो अब हो गया 24.06% लगभग वन हो गया, यानी 24% याद रखना है कितना, तो अब जो है भारत में 24% वन हो गया, 24% वन, लेकिन अभी भी भारत में वन कम है, नहीं कम है, होना चाहिए कितना, 33.3 यानी लगभग 33% वन होना चाहिए, लगभग 33% वन यानी एक तिहाई भाग में वन होना चाहिए, एक तिहाई भाग में वन होना चाहिए। तो बिहार में भी कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, लेकिन बिहार में जो वन तुम लोग को जल्दी मिलवे नहीं करेगा, मिलता है वन सौरों खाली मैदाने मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं समतल जमीन मिलेगा, समतल जमीन, जंगल बिहार में बहुत कम है, कम है ना, इसलिए बिहार में जो वन है लगभग 6.6% है, कितना है, लगभग 6.6, देख कितना कम है, होना चाहिए इतना, और कम बहुत है ना, बिहार में जंगल वंगल नहीं मिलेगा, जम्मू में थोड़ा सा जंगल मिलेगा, बटिया उटिया मिलेगा ठीक है ना, उसके बाद फिर गंगा के मैदान में तो खाली पड़ती मिलेगा, फिर तुम लोग को उत्तरी बिहार में पश्चिम चंपारण में एक पहाड़ी है सोमेश्वर का पहाड़ी, यहाँ पश्चिम चंपारण में एक पहाड़ी है सोमेश्वर का पहाड़ी, वहाँ कुछ वन मिलेगा, फिर ये वाला क्षेत्र में बक्सर उक्सर वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर कैमूर को है उसमें थोड़ा सा वन मिलेगा, फिर यहाँ पर थोड़ा जो है सहरसा को है पूर्णिया को है वो सब क्षेत्र में थोड़ा सा वन मिलेगा, बाकी वह वन नहीं मिलता है ठीक है ना, तो 6.6% ठीक है ना, लेकिन ये बढ़ के अभी लगभग 7% कुछ हो गया है ठीक है ना, तो 6.6 और 7 के बीच में जो रहेगा उसको मार देना है ठीक है ना। बिहार में 1% कितना है, पहले 6.6 था लेकिन अब बढ़ के 7 के आसपास पहुँच गया, आसपास पहुँच गया है, समय तो उनका आ गया ना। अब देखते हैं बिहार में वन, तो बिहार में जो वन पाया गया ऐसे तो पूरा भारत में ज़्यादा वन जो पाया गया होता है पर्णपाती वन, क्या होता है पर्णपाती, मतलब समझ रहा है जो अपना पत्ता को साल में एक बार गिरा देता है, पत्ता जो जिसका झड़ जाता है उसको बोलते हैं पर्णपाती, क्या बोलते हैं पर्णपाती। तो बिहार में कैसा वन है, तो पर्णपाती वन है, कैसा वन है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को दो भाग में बांटते हैं, कितना भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं। बिहार में कैसा वन है, तो बिहार में जो है बिहार में पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन को दो भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं आर्द्र पर्णपाती वन, क्या बोलते हैं आर्द्र पर्णपाती वन ठीक है ना। पतझड़ के समय जब पत्ता गिरा लेगा क्या करेगा, और एक होता है क्या, एक होता है शुष्क पर्णपाती वन, समझ तुम लोग का आया। अब यहाँ ध्यान दे, आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाया जाएगा पता है, तो जहाँ पर वर्षा थोड़ा मोड़ा अधिक होगा, क्या होगा, वर्षा अधिक होगा, बिहार में वैसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा अधिक होगा वहाँ पाया जाएगा आर्द्र पर्णपाती। आर्द्र मतलब होता है नमी का मात्रा, नमी का, तो वायुमंडल में नमी का मात्रा हो, मिट्टी में नमी का मात्रा हो, तो नमी का मात्रा कहाँ पर होगा, नमी मतलब पानी का मात्रा कहाँ होगा, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगा, और जहाँ पर वर्षा कम होगा, वर्षा कम होगा वहाँ पर क्या होता, वहाँ तो शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, समझ तुमको आ गया। और यहाँ बिहार में वन कहाँ कहाँ पाया जाता है, दोनों में सेमे वृक्ष होता है, दोनों में क्या होता है
दोनों में वृक्ष सेम है क्योंकि पर्णपाती वन है, दोनों पर्णपाती वन है ना, तो दोनों में मतलब वृक्ष जो है वो सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। इसमें भी आएगा आएगा अथी जामुन आएगा, आम आएगा, कटहल आएगा, पीपल आएगा, ठीक है ना, बरगद बरगद आएगा, एक गंभार आएगा, ये सब किस में आता है, पर्णपाती वन में। किस में आता है, पर्णपाती वन में, यानी जितना भी लकड़ी जो काम में आता है, क्या आता है, जो हम लोग को अधिकांश काम में आता है ना, जिसका यूज करते हैं, वो आता है पर्णपाती वन में। किस में आता है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगा वहाँ के वृक्ष जो है, वहाँ का आम हो गया, कटहल हो गया, जामुन हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, गंभार हो गया, उसका विकास ज़्यादा होता है। विकास क्या होगा, ज़्यादा होगा, बहुत बड़ा बड़ा होगा और काफ़ी मोटा होगा। लेकिन जहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन होगा, जहाँ वर्षा कम होगा, जहाँ पानी कम होगा, वो थोड़ा छोटा हो जाता है, क्या होता है, लेकिन दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। आध पर्णपाती वन तुमको यहाँ पर मिलेगा पश्चिमी चंपारण में, कहाँ मिलेगा, पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में जो नेपाल से सटा हुआ भाग है, वहाँ पर एक पहाड़ी याद रखना, उस पहाड़ी का नाम है सोमेश्वर का पहाड़ी, क्या है, याद रखना। डायरेक्ट तुम लोग को क्वेश्चन आएगा कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोलना है, तो बोलना है कहाँ पर, तो बोलना है पश्चिमी चंपारण में, ठीक है ना। और आध पर्णपाती वन जो है यहाँ पर ही पाया जाता है लगभग, कहाँ पर, तो पूर्णिया, सहरसा, ये सब में भी आध पर्णपाती वन पाया जाता है, पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, ठीक है ना, बहुत कम जगह पाया जाता है, ठीक है। आध पर्णपाती वन घना होता है, थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा घना होता है, क्योंकि यहाँ पर आद, ये क्या आद्र, यानी यहाँ थोड़ा बारिश जा रहा है तो घना होवे करेगा। और ये सब क्षेत्र में भी पाया जाएगा, कहाँ पर, तो ये क्षेत्र को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम बिहार में भी थोड़ा सा ये पाया जाता है, पाया जाता है, समझ तुम्हें कहा गया। और शुष्क पर्णपाती वन जो है ये अधिकांश जगह पाया जाता है, यहाँ पर इस तरह जो है ईला क्षेत्र जो है यहाँ पर क्या है, शुष्क पर्णपाती वन, जम्मू में क्या है, शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती अधिकांश भाग में, ये भाग में वन ना है, गंगा के मैदान में वन है। तुम लोग जाएगा अगर गंगा ट्रेन से जाता है पटना, तो देखना तुम लोग खाली टाल क्षेत्र मिलेगा, खाली खेत नहीं आएगा, कुछ तुमको एक भी वृक्ष नहीं आता है। तुम लोग जब अथी बढ़िया और ये पार करेगा तो देखना एकदम पूरा खेत खड़ नहीं रहेगा, एक बीच उच नहीं रहता है, ना आता है, तो वहाँ पर उसको बोलते हैं टाल क्षेत्र, क्या बोलते हैं, तो इस क्षेत्र में तो वने ना है, क्षेत्र में क्या है, वने ना, अधिकांश भाग में क्या है, वने नहीं है, समझ तुम लोग आ गया ना। तो वन के बारे में पढ़ लिया ना, इसमें कौन कौन आता है, जैसे बता दिए लकड़ी कौन कौन होता है, तो बता दिए आम हो गया, जामुन हो गया, कटहर हो गया, पीपल हो गया, यानी जितना अधिकांश जो यूजफुल है, जो हम लोग के लिए जरूरी है, ठीक है ना, जो आसपास में देखते हैं, आसपास में देखते हैं, ठीक है ना, वो सब सब क्या है, पर्णपाती वन है, क्या है, बरगद हो गया, सखुआ हो गया, ठीक है, गंभार हो गया, ठीक है, ये सब सभी क्या है, ये सब है पर्णपाती वन का वृक्ष, पर्णपाती वन का वृक्ष, कोई दिक्कत है। अब हम देखते हैं क्या, तो वन के बारे में पढ़ लिए, वन के बारे में पढ़ लिए। अब वन के अनुसार एक चीज़ याद रखना तुम लोग कि वन में क्या होता है, जीव जंतु, क्या होता है, जीव जंतु, तो जीव जंतु के लिए बनाया था जैविक उद्यान, क्या बनाया था, जैविक उद्यान। जैविक उद्यान में एक याद रखना कि संजय गांधी, क्या बोल रहे हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना, तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है, तो पटना में, कहाँ पर है, पटना में है, याद रखना। और जहाँ पर थोड़ा वर्षा अधिक होगा, जहाँ पर थोड़ा मतलब अथी जंगल उंगल होगा, वहाँ थोड़ा पानी की व्यवस्था होगा, तो वहाँ पर आता पक्षी, क्या आता है, तो एगो बिहार में है, क्या, तो बिहार में है कांवर झील, क्या है, कांवर झील, कांवर झील कहाँ पर है, बता कौन जिला में है, जल्दी बता, कांवर झील है बेगूसराय में, कहाँ पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आया हुआ है कि कांवर झील किस जिला में है, तो क्या बोलना है, बेगूसराय, क्या बोलना है, बेगूसराय, बेगूसराय में जो है ना, बेगूसराय में बहुत सारा पक्षी, देश विदेश से बहुत सारा पक्षी बेगूसराय में कांवर झील के आसपास मिलेगा तुम लोग को, बहुत सारा अनेक प्रकार का पक्षी मिलेगा और देश विदेश से आता है वहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए कांवर झील को बोलते हैं पक्षियों का स्वर्ग, क्या बोलते हैं, पक्षियों का स्वर्ग। डायरेक्ट पूछेगा कि पक्षियों का स्वर्ग किस झील को कहा जाता है, क्या बोलना है, कांवर झील। और किसने इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा, तो एक पक्षी विशेषज्ञ था, क्या था, पक्षी विशेषज्ञ एक था जिसका नाम था सलीम, क्या था, सलीम था, ठीक है ना, उसने कहा था इसे कांवर झील जो बेगूसराय में, पक्षियों का स्वर का, पक्षियों का स्वर का, इतना सब लोग याद रखना, ठीक है। अब पहुंचते हैं कहां पर, ये पढ़ लिया ना, ये पढ़ लिया ना, अब थोड़ा पहुंचते हैं किसमें, तो अब पहुंचते हैं कृषि पर आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित, ये सब हमें फटाफट निकलेंगे क्योंकि सब हम पढ़े भी पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे, रेशम उद्योग के बारे में, जूट उद्योग के बारे में, गन्ना उद्योग के बारे में पढ़े थे ना, ये सब फटाफट निकल जाएंगे, ठीक है ना, ज़्यादा इसका टाइम नहीं पढ़ करना है। तो कृषि पर आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग, तो कृषि पर आधारित उद्योग में क्या आएगा, तो पहला आएगा क्या, तो गन्ना उद्योग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गन्ना उद्योग, गन्ना किस, गन्ना उद्योग यानी चीनी उद्योग भी बोल सकते हैं, गन्ना नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे,
चीनी उद्योग, और चीनी किससे बनता है, तो चीनी के लिए कच्चा माल हो गया गन्ना, क्या हो गया, तो चीनी के लिए कच्चा माल क्या हो गया, तो चीनी के लिए कच्चा माल हो गया गन्ना, क्या हो गया गन्ना। उसी प्रकार बोल सकते हैं क्या, उसी प्रकार हम बोल सकते हैं रेशम उद्योग, क्या बोल सकते हैं रेशम उद्योग, रेशम। और रेशम उद्योग किससे प्राप्त होता है, रेशम के कीट से, रेशम के, रेशम उद्योग का जो रेशा प्राप्त होता है, जो रेशा निकलता है, रस्सी निकलता है, जिससे कपड़ा बनता है, वो मिलता है किससे, रेशम के कीट से, रेशम का, रेशम का कीट से। और रेशम का कीट का पालन किस पौधा पर होता है, तो शहतूत के पौधा पर, शहतूत के, शहतूत के पौधा पर होता है, शहतूत के पौधा पर होता है। और तुम लोग को बताया था कि रेशम जो रेशम का जो कपड़ा होता है, तीन चार प्रकार का होता है, मूंगा होता है, मरबली होता है, बताया था ना, मूंगा मरबली ईरी तसर बताया था ना, तो वो सब बताया था, ठीक है ना। और रेशम पालन को हम, रेशम पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, पूछेगा रेशम पालन को क्या कहते हैं, तो बोलना है रेशम पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम उद्योग कहाँ पर है बिहार में सर्वाधिक, मतलब कौन राज्य रेशम कपड़ा के लिए फेमस है, जल्दी बता दे, तो भागलपुर, क्या है, तुम लोग ना सुना है भागलपुर का रेशम का कपड़ा, तुम लोग सुना है ना, भागलपुर जो है रेशम उद्योग के लिए फेमस है बिहार में, बिहार में, ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ लो क्या गया ना। अब यहाँ जान लेते हैं रेशम उद्योग देख लिए, अब देखते हैं जूट उद्योग, क्या देखते हैं जूट उद्योग, जूट को ही बोलते हैं पटसन बोलते हैं, और इससे बनता है बोरा बनता है, इसको भैंस और गाय को ओढ़ाते हैं, ठीक है ना, वो बोरा बनता है, ठीक है। और जूट उद्योग को ही बोलते हैं पटसन, क्या बोलते हैं, पटसन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पटसन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पटसन बोलते हैं, ठीक है। और इससे क्या बनता है, इससे बनता है बोरा, क्या बनता है, बोरा जो बनता है वो बनता है रस्सी से, इसका बोरा बनता है, क्या बनता है, समझ तो आ गया। और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन इसका पश्चिम बंगाल में होता है, और बिहार में भी होता है, बिहार में कहाँ होता है, जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य है, जैसे पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, इस समय क्या होता है, इस समय जूट का उत्पादन होता है, समझ तो आ गया। उसके बाद जूट उद्योग के बाद और हम क्या बोल सकते हैं, तो चीनी हो गया, रेशम हो गया, कपास उद्योग, क्या बोल सकते हैं, कपास, तो कपास उद्योग भी क्या है, कृषि आधारित है, अरे कृषि आधारित ना है, क्योंकि कपास उद्योग जो है, या कपास उद्योग, या इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, और सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग जो है, सूती वस्त्र उद्योग जो है किससे प्राप्त होता है, कपास से, किससे प्राप्त होता है, कपास से प्राप्त होता है, कपास से प्राप्त होता है, पता है तुम लोग को, पता है ना। और जूट, जूट जो है, जूट को ही बोले तो हम क्या, गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा, समझ तुम लोग आ गया, तो कपास उद्योग तुम्हें समझ गया, ये सब क्या है, सब है कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित, इसका जो मतलब तुम लोग को केंद्र मिलेगा कपास उद्योग यानी सूती वस्त्र उद्योग का जो केंद्र मिलेगा वो पटना में एक जगह है, फुलवारी शरीफ, क्या है, फुलवारी शरीफ है पटना में जगह, वहाँ पर इसका ज़्यादा उत्पादन होता है, समझ तो लोग आ गया। एक होता है लाह उद्योग, क्या होता है लाह उद्योग जो है, ये भी क्या है, ये भी जो है मतलब पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, ठीक है ना, लाह तुम गूगल पर सर्च मारना उसका फोटो मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है ना, तो लाह उद्योग, लाह उद्योग, ठीक है ना, या इसी को कभी कभी लिखा मिलेगा लाख उद्योग, क्या लिखा रहेगा, तो लाह उद्योग, लाह इसके लिए फेमस था, इसके लिए फेमस था दरभंगा, क्या था, लेकिन इसका जब झारखंड जब अलग हो गया, तो इसका लाख उद्योग जो है ये कहाँ चल गया, चल गया कहाँ पर, चल गया झारखंड में अधिकांश इसका फैक्ट्री चल गया, ठीक है ना, लेकिन दरभंगा का, दरभंगा इसके लिए फेमस था, इसलिए दरभंगा को बोलते थे क्या, दरभंगा को बोलते थे लाख, लाख सरैया, क्या बोलते थे, लाख से रिया, लाख सरैया, ठीक है ना, लाख सरैया बोलेगा, लाख सरैया के नाम से कौन फेमस था, दरभंगा, कौन फेमस था, दरभंगा, ठीक है ना। इसको लाख भी बोलते हैं या लाख भी बोलते हैं, लाख उद्योग, लाख मतलब ना समझ आना, पैसवा, पैसवा वो लाख ना, लाख ये कृषि आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है, समझ तो लिखा आया। अब देखें आप देखेंगे थोड़ा गैर कृषि उद्योग, क्या देखेंगे, गैर कृषि उद्योग यानी वैसा उद्योग जो कृषि आधारित ना हो, कृषि आधारित ना हो, उसको बोलते हैं गैर कृषि उद्योग, क्या बोलते हैं, जैसे गैर कृषि उद्योग में क्या आएगा, तो आ जाएगा सीमेंट उद्योग, क्या आएगा, सीमेंट उद्योग आएगा, क्या आएगा, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग आएगा। और सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, जल्दी बता दें, तो सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है वो है क्या, तो वो है चूना पत्थर, क्या है, चूना पत्थर है, तुम्हें पता है ना क्या है, चूना पत्थर है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं क्या, इसमें बोल सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं हम तंबाकू उद्योग, तंबाकू और सिगरेट उद्योग, तंबाकू और सिगरेट उद्योग, तंबाकू और सिगरेट उद्योग, तो तंबाकू और सिगरेट उद्योग ये सब जो है, इसका जो केंद्र है, इसका केंद्र याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पर है, मुंगेर, कहाँ पर है, मुंगेर है, कहाँ पर है, मुंगेर है। तंबाकू और सिगरेट उद्योग का केंद्र कहाँ पर है, उद्योग मुंगेर में, मुंगेर में ही
गोला बारूद और बंदूक बनाने का फैक्ट्री है, समझ तो लो क्या गया ना, गोला बारूद और बंदूक बनाने की फैक्ट्री पूछे कहाँ पर है, क्या बोलना है मुंगेर, क्या बोलना है मुंगेर, समझ आ गया ना, तंबाकू या सिगरेट पिएगा गोला बंदूक बालू मारेगा, समझ आ गया ना, समझ तो लो यार। तो अब यार ध्यान दे, एक होता है रसायन उद्योग, क्या होता है रसायन उद्योग, रसायन उद्योग मतलब समझ रहा है केमिकल के चीज जहाँ पर बनेगा उसको बोलेंगे रसायन उद्योग, क्या बोलेंगे, तो रसायन उद्योग में क्या होता है, तो यहाँ पर हो सकता है दवाई बनेगा, क्या बनेगा दवाई बनेगा, साबुन बन सकता है, साबुन भी केमिकल केमिस्ट्री ना तुम लोग को पढ़ाए थे, तो साबुन बन सकता है, रंग बन सकता है, रंग उंग जो होता है ये सब बन सकता है, ठीक है, तो ये सब किसमें आएगा रसायन उद्योग में, किसमें आएगा, उसी प्रकार हो जाएगा कांच उद्योग, क्या हो जाएगा कांच उद्योग भी गैर कृषि उद्योग है ना, ये तंबाकू उद्योग जो है कृषि में भी आ जाएगा, ठीक है, सिगरेट ना आएगा लेकिन तंबाकू कृषि में आ जाएगा, तंबाकू कृषि से प्राप्त होता है, ठीक है, तो कांच उद्योग हो जाएगा, क्या जाएगा कांच उद्योग भी हो जाएगा, कांच उद्योग तुमको पटना उटना भी मिल जाएगा, पटना उटना भी, तो ये हम देख लेंगे गैर कृषि उद्योग, क्या देखें आप देखेंगे, क्या आप देखेंगे बिहार में खनिज उद्योग, क्या देखेंगे यानी बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ है, ठीक है ना, बिहार में जो है ग्रेफाइट उद्योग कहाँ है, बिहार में चूना पत्थर कहाँ मिलता है, यानी बिहार में उद्योग ना देखेंगे, देखेंगे मतलब बिहार में खनिज कहाँ कहाँ मिलता है, खनिज कहाँ कहाँ ग्रेफाइट में कहाँ मिलता है, डोलोमाइट कहाँ मिलता है, चूना पत्थर कहाँ मिलता है, ठीक है ना, तो ये सब हम देखेंगे कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है, चलिए इसको छाप। चल देखें यहाँ पर अब हम देखेंगे क्या, देखेंगे बिहार में खनिज क्या क्या मिलता है, बिहार में खनिज के बारे में देखेंगे, ऐसा तो बिहार में खनिज बहुत कम है ना, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान, बिहार में खनिज बहुत कम है, तुम लोग को बताया था कि बिहार का हम ऐसे करके मैप बनाए थे ना, तो यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर क्या है झारखंड क्या है, तो बिहार में जो भी खनिज मिलेगा ना झारखंड से सटा हुआ राज्य मिलेगा, झारखंड से सटा हुआ राज्य ना जिला, क्या बोल रहा है यानी यह क्षेत्र में ज़्यादा तुमको खनिज मिलेगा, ठीक है, यानी दक्षिणी बिहार में ज़्यादा खनिज मिलेगा, दक्षिण बिहार में भी कौन जिला में, तो जो यहाँ सटा हुआ झारखंड, जो झारखंड से सटा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जम्मू है, ठीक है ना, यहाँ मुंगेर है, ठीक है, फिर यहाँ पर तुम लोग को जाएगा तो यहाँ पर तुम लोग को नवादा मिलेगा, फिर गया मिलेगा, इधर रोहतास मिलेगा, कैमूर मिलेगा, ठीक है, तो ये सब क्षेत्र में, ठीक है, मुंगेर हो गया, तो ये सब क्षेत्र में मिलेगा तुमको खनिज, क्या मिलेगा, तो पहला खनिज देखते हैं अभ्रक, क्या देखते हैं अभ्रक, क्या देखते हैं अभ्रक को ऐसे भी लिखते हैं ओ बो रो खो, समझ तो क्या गया ना, अभ्रक क्या बोल रहे हैं अभ्रक, तो पहले अभ्रक देखते हैं, ऐसे तो अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक कौन देश में होता, भारत में, क्या रखना, भारत में अभ्रक का उत्पादन है, भारत क्या एक नंबर, क्या है एक नंबर है, लेकिन बिहार में पहले अभ्रक का उत्पादन होता था, लेकिन जब झारखंड अलग हो गया तो अभ्रक का जो मतलब कारखाना जो था, जो सब जो अभ्रक जहाँ ज़्यादा निकलता तो झारखंड में चल गया, कहाँ चल गया, और झारखंड का जो कोडरमा है, तो लोगों को पढ़ाए थे ना, झारखंड का कोडरमा अभ्रक उत्पादन के लिए फेमस है, बताए थे ना, तो याद रखना, कहेगा कोडरमा किसके लिए फेमस है, बोलना अभ्रक के उत्पादन के लिए। अब देखते हैं कि बिहार में जो है अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है, कौन जिला में, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं जिला का नाम, देखते हैं बिहार में कौन कौन जिला में, तो बिहार में देखो यहाँ मिलेगा तुमको जम्मू, क्या मिलेगा, तो जम्मू में मिलता है अभ्रक, क्या मिलता है अभ्रक, ठीक है ना, हम लोग जम्मू में हैं, फिर बांका हो गया, क्या हो गया बांका भी सटल है जम्मू का, फिर नवादा हो गया, नवादा भी जम्मू का सटल है ना, तो ये तीनों में क्या मिलता है अभ्रक, क्या मिलता है, यानी झारखंड से सटा हुआ राज्य रहेगा उसी में खनिज मिलेगा, तो ये तीनों हो गया ना अभ्रक, ठीक है ना, अभ्रक जो होता है ना, ये अभ्रक जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है और ताप का सुचालक होता है, ताप का क्या होता है सुचालक होता है, जो देखते हैं तुम लोग जो होता है क्या आयरन करने वाला होता है, उसमें देखना कहीं धिप जाएगा वो, जो करंट ना आता है ना, क्योंकि वो क्या अभ्रक का बना हुआ विद्युत का कुचालक है और ताप का सुचालक है, ताप का क्या है, ठीक है ना, अभ्रक में जो है ना, अभ्रक में वो होता है क्या, याद अभ्रक में वो है रूबी अभ्रक, क्या है रूबी अभ्रक जो है ये काफ़ी अच्छा अभ्रक है, ठीक है ना, अच्छा अभ्रक है, क्या है उच्च कोटि का अभ्रक है, तो अभ्रक देख लिया ना, अब हम देखेंगे चूना पत्थर देखेंगे कहाँ कहाँ मिलता है, तो चूना पत्थर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर कैमूर और रोहतास और यहाँ पर है मुंगेर, क्या है, तो कैमूर रोहतास और मुंगेर में पहाड़ी है, वहीं पर मिलता है चूना पत्थर, क्या मिलता है, तो चूना पत्थर मिले बोले कहाँ मिलेगा, तो बोलना है कैमूर, क्या बोलना है कैमूर रोहतास, क्या रोहतास तथा मुंगेर की पहाड़ी में, मुंगेर की यानी कैमूर रोहतास तथा मुंगेर में मिलता है, ठीक है ना, क्या मिलता है चूना पत्थर, और चूना पत्थर जो है क्या है सीमेंट का कच्चा माल,
सीमेंट का कच्चा माल किसे कहा जाता है? सीमेंट जिससे बनता है किससे बनता है? चूना पत्थर का, चूना पत्थर का। उसके बाद तीन नंबर में आए तो होता है डोलोमाइट। क्या होता है? डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट जो है ना, ये चूना पत्थर का एक विशेष प्रकार है। क्या है ये? चूना पत्थर का ही प्रकार है। चूना पत्थर का ही क्या है? तो चूना पत्थर का एक विशेष प्रकार है। अरे बंदर यहाँ ध्यान देगा, चूना पत्थर का एक विशेष प्रकार है, ठीक है ना। ये डोलोमाइट किसका यश कहते हैं? डोलोमाइट दो पदार्थ का, दो धातु का यश है। क्या? कैल्शियम। किसका? तो पूछेगा कैल्शियम का। डोलोमाइट किसका यश है? तो कैल्शियम का भी है एवं मैग्नीशियम, एवं मैग्नी, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है डोलोमाइट। दोनों का अयस्क है क्या है? का अयस्क, का अयस्क। अब सिंपल बात है, कहाँ मिलेगा? तो जहाँ मिलता चूना पत्थर, क्योंकि चूना पत्थर का ही प्रकार है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट कहाँ मिलेगा? तो जहाँ मिलता चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? कैमूर में, रोहतास में। तो ये भी कहाँ मिलेगा? ये भी मिलेगा कैमूर एवं रोहतास की पहाड़ी में, एवं रोहतास की समझ तो लगा गया, समझ तो लगा यार। तो ये पढ़ लिए किसके बारे में? ये पढ़ लिए हम डोलोमाइट के बारे में, डोलोमाइट के। और हम खनिज देखें बिहार में क्या क्या मिलता है, तो और खनिज में अगर देखेंगे तो अगला आएगा तुम्हारा क्या? अगला आएगा, अगला तुम लोग को हम लिख सकते हैं क्या डंड, अगला लिख सकते हैं तुम लोग को क्या? तो लिख सकते हैं क्वार्ट्स। क्या लिख सकते हैं? क्वार्ट्स। क्वार्ट्स जो होता है ना, क्वार्ट्स जो है ये क्या है? ये चमकदार पत्थर है, जैसे तुम पिंटा ना अंगूठी उठी नहीं पहनता है, लाल पीला हरा है ना, तो ये क्या है? यह ठीक है ना, रंगीन पत्थर होता है। क्या होता है? यह रंगीन पत्थर होता है, रंगीन पत्थर ये क्या होता है? तो ये रंगीन पत्थर होता है। अगला हम बोल सकते हैं क्या? अगला हम बोल सकते हैं गंधक। क्या बोल सकते हैं? गंधक याद रखना, गंधक किससे प्राप्त होता है? तो गंधक याद रखना, गंधक जो है यहाँ ना, खनिज में हम कौन खनिज पढ़ रहे हैं पता है? ये सब जो हम खनिज पढ़ रहे हैं, अभ्रक पढ़ रहे हैं, पढ़े चूना पत्थर, पढ़े डोलोमाइट, पढ़े क्वार्ट्स, पढ़े गंधक, पढ़े ये सब ओधात्विक खनिज है। कौन खनिज है? ओधात्विक खनिज याद रखना। धात्विक खनिज तो बिहार में बहुत कम मिलता है। सोना तो, सोना जम्मू वायु में मिलने संभावना हुआ ना, तो सोना क्या है? धात्विक खनिज। क्या है? धात्विक खनिज। तो बिहार में बहुत कम मात्रा में धात्विक खनिज, सोना, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, ये सब क्या है? ये सब बहुत कम मात्रा में, नहीं के बराबर मिलता है। तो धात्विक खनिज के बारे में हमें पढ़ रहे हैं। जो भी खनिज बिहार में मिलता है वो मिलता है वो धात्विक खनिज। क्या मिलता है? वो भी बहुत कम मिलता है, ठीक है, लेकिन धात्विक खनिज धात्विक से ज़्यादा मिलता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं धात्विक खनिज। क्या पढ़ रहे हैं? तुम लोग को पूछेगा बता अभ्रक क्या है, तो धात्विक खनिज। चूना पत्थर क्या है? ओधात्विक खनिज। डोलोमाइट क्या है? ओधात्विक खनिज। क्वार्ट्स क्या है? ओधात्विक खनिज। गंधक क्या है? ओधात्विक खनिज। और गंधक प्राप्त होता है पाराइट से। किसे प्राप्त होता है? पाराइट्स नामक अयस्क से, याद रखना, पाराइट नामक अयस्क से क्या प्राप्त होता है? तो अयस्क से प्राप्त होता है मेरा क्या? गंधक। क्या प्राप्त होता है? गंधक प्राप्त होता है, याद रखना। तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा गया कि पाराइट्स कैसा खनिज है, दे देगा धात्विक खनिज, ओधात्विक खनिज। तो कैसा खनिज है? औधात्विक है, समझ तुम लोग आया। अगला हमको पढ़ना है क्या? अगला पढ़ना है हमको ग्रेफाइट। क्या पढ़ना है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? और ग्रेफाइट से क्या बनता है? इसी से बनता है पेंसिल। क्या बनता है पता है तुम लोग को? पेंसिल बनता है। पेंसिल का जो नोक होता है किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट एकमात्र औधातु है, एकमात्र औधातु है, एकमात्र औधातु है जो क्या है? जो विद्युत का, जो विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, इतना याद रखना। समय तो लुका गया ना। और साथ में एक तो याद रख लेना है, जब हम तो उस समय बता रहे थे कि तंबाकू और सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। कहाँ पर है? तो उसी साथ लिख देना है क्या? उसी साथ लिखना है कि बंदूक, क्या बताए थे? बंदूक, गोला, बारूद, इसका कारखाना कहाँ है? तो बताए थे मुंगेर। क्या बताए थे? सिगरेट उगरेट पिएगा, तंबाकू उम्बाकू पिएगा और गोला बारूद बंदूक बनाएगा। समय तो लुका गया ना। और एक तो तुम लोग को याद रखना है क्या? रेलवे का कारखाना कहाँ है? तो जमालपुर, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो ये हम पढ़ लिए क्या खनिज के बारे में? किस बारे में पढ़े हैं? अब हम पढ़ रहे हैं क्या ये औधात्विक खनिज पढ़ लिए ना। अब हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा का संसाधन, ऊर्जा का संसाधन, ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऊर्जा का संसाधन, ऊर्जा का। तो ऊर्जा का संसाधन तुम्हें समझता है ना? ऊर्जा का संसाधन मतलब क्या हुआ? ऊर्जा संसाधन का मतलब हुआ कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो इस सबसे क्या बनता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है तब ना बिजली उजली बनता है। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या है? ऊर्जा। क्या है? क्या बोल रहे हैं? कोयला। क्या बोल रहे हैं? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है ना, गैस हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब है मेरा ऊर्जा का संसाधन, ऊर्जा का संसाधन है, ठीक है।
अब देखिए आप बिहार में जो है ऊर्जा बहुत ऊर्जा नहीं के बराबर मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है, ठीक है ना। तो बाहर से कोयला उला मंगा कर यहाँ बिजली का उत्पादन किया जाता है, कहाँ पर? बिहार में। कहाँ किया जाता है? बिहार में। बिहार में पूछेगा बता कि कोयला, पेट्रोलियम या गैस मिलने का संभावना कहाँ है? संभावना पूछेगा तो क्या बोलना है? तो बोलना है गंगा। क्या बोलना है? गंगा एवं इसके सहायक नदी, इसके सहायक नदी के बेसिन, बेसिन समझता है ना, जो जहाँ सबसे ज़्यादा गड्ढा होता है ना, उसका मतलब तराई क्षेत्र में, ठीक है ना। तो गंगा एवं इसके सहायक नदी के बेसिन में, गंगा एवं इसके सहायक नदी के बेसिन में क्या मिलने की संभावना है? तो कोयला, पेट्रोलियम और गैस, ठीक है ना। ऊर्जा संसाधन को हम दो भाग में बांट के पढ़ सकते हैं, एक को बोलेंगे परंपरागत ऊर्जा। क्या बोलेंगे? ठीक है, परंपरागत ऊर्जा। आए बोलेंगे गैर परंपरागत। क्या बोलेंगे? गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत में कौन आ गया? तो गैर परंपरागत को ही बोलते हैं हम नवीकरणीय। बताए थे तुम लोग को, जहाँ गैर लग गया यानी नवीकरणीय, क्या हो गया? आयु हो जाएगा ओ नवीकरणीय। क्या हो जाएगा? ओ नवीकरणीय, ओ नवी, तो परंपरागत को बोलते हैं ओ नवीकरणीय। गैर परंपरागत में कौन आएगा? तो नवीकरणीय वैसा आता है जो जिसका मात्रा ओ सीमित हो यानी समाप्त होने वाला नहीं हो और जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हो, उसे बोलते हैं क्या? गैर परंपरागत या नवीकरणीय। जैसे हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या जाएगा? सौर ऊर्जा। हो जाएगा पवन ऊर्जा। क्या जाएगा? पवन ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। समझ तुम लोग आ गया? ये सब मेरा क्या है? ये सब है गैर परंपरागत ऊर्जा, ठीक है। और परंपरागत ऊर्जा में कौन आएगा? तो जो कोयला से जो बनता है, बिजली उली कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब गैस हो गया, सब आएगा परंपरागत ऊर्जा में। और परंपरागत ऊर्जा बिहार में जो क्या क्या है तो इसके बारे में हमको पढ़ना डिटेल से। परंपरागत ऊर्जा एक है कहलगांव में। कहां पर है? कहलगांव विद्युत परियोजना। कहलगांव विद्युत परियोजना है, ठीक है ना। कहलगांव विद्युत परियोजना है जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है। तो लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कहलगांव परियोजना कहाँ पर है, कहलगांव विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो मानना है भागलपुर। क्या मानना है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। कहलगांव कहाँ पर है? भागलपुर। फिर एक तो आता है कांटी तापीय विद्युत परियोजना। आता है कांटी तापीय विद्युत परियोजना। कांटी तापीय विद्युत परियोजना ये कैसा है? तो गैर परंपरागत, सॉरी परंपरागत यानी ओ नवीकरणीय। समझ तो आ गया ना, ओ नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है जल्दी बताओ? तो ये है मुजफ्फरपुर। कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में। डायरेक्ट तुम लोग को क्वेश्चन आता है, इवला बहुत बार आ चुका है इवला भी। मुजफ्फरपुर कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो मुजफ्फरपुर। एक आता है बरौनी। क्या आता है? बरौनी विद्युत परियोजना, बरौनी विद्युत परियोजना। तो बरौनी कहाँ है जल्दी बता दे? कौन जिला में बरौनी है बता दे? ये तेल सोलह कारखाना भी बरौनी में, तेल को शुद्ध करने वाला कारखाना भी कहाँ है? बरौनी में। अब बरौनी कहाँ पर है जल्दी बता? बेगूसराय में, ठीक है ना। अब बरौनी में ही है तेल शोधक कारखाना। क्या है? तेल को शुद्ध करने वाला तेल शोधक कारखाना। और मथुरा भी तेल शोधक कारखाना है जो कहाँ पर है? जहाँ जो है यूपी में। कहाँ पर है? उठा फेंक देंगे गला। मथुरा कहाँ पर है? यूपी में। समझ तुमने कहा गया। और यहाँ पर ध्यान दे, और एगो बाढ़ में, बाढ़ तुम लोग पटना जाता हो तो देखता होगा बाढ़ में एगो बहुत बड़ा बना है बिजली उत्पादन करने का बड़ा है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं क्या? उसको एनटीपीसी विकसित कर रहा है। कौन कर रहा है? एनटीपीसी, ठीक है ना। तो बाढ़ में क्या हो रहा है? जो अभी बन रहा है बाढ़ में जो बन गया, और कुछ बनना भी बाकी है, मतलब कुछ काम शुरू हो गया और कुछ और विकास होना बाकी है, ठीक है ना। तो हो जाएगा बाढ़। क्या हो जाएगा? बाढ़ में भी बन रहा है, ठीक है। तो बाढ़ विद्युत परियोजना, बाढ़ विद्युत परियोजना जिसको एनटीपीसी बनाया, एनटीपीसी कंपनी का नाम है। क्या है? इसका जाएगा नॉन थर्मल पावर और यहाँ पर कॉरपोरेशन, ठीक है ना। तो इसके द्वारा बाढ़ में बनाया गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार और बनाया गया क्या है? तो नबी नगर। कहाँ पर? नबी नगर विद्युत परियोजना, नबी नगर विद्युत। अब बोलेगा नबी नगर कहाँ है? तो यह है औरंगाबाद में। कहाँ पर है? लेकिन तुम लोग को ये तीनों नाम याद रखना है, तीनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। और बाढ़ के बारे में पूछेगा तो बाढ़े में है। बाढ़ के बारे में पूछेगा तो कहाँ है? बाढ़ में। बाढ़ ना समझा जो नदियों में जो बाढ़ आता है, बाढ़ में जगह का नाम है, ठीक है ना। और वहीं पर बाढ़ स्टेशन भी है, पता है तुम लोग को। और वहीं पर स्टेशन से जस्ट पहले तुम लोग को मिल जाएगा क्या? तो मिल जाएगा वहाँ पर थर्मल प्लांट बहुत बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। लगभग 1 किलोमीटर में विस्तार है, ठीक है। नबी नगर बिल पहना जो है यह औरंगाबाद। कहाँ पर है? औरंगाबाद में, औरंगाबाद में, ठीक है ना। और एक है जल विद्युत परियोजना। क्या है? जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना को भी हम ओ नवीकरणीय में ही रख के पढ़ते हैं, परंपरागत में ही रख के पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा दिए। और भारत में जल विद्युत परियोजना के उत्पादन के लिए बिहार एक स्थापना किया गया, कंपनी का स्थापना किया गया, बिहार जल विद्युत
परियोजना बनाया गया है, ठीक है ना। कब बनाया गया तो पूछेगा बिहार जल विद्युत परियोजना कब बनाया गया, तो बोला 1982 ईस्वी में। कब बनाया गया तो बोलेगा बिहार जल विद्युत परियोजना कब बनाया गया, तो बोला 1982 ईस्वी में। तो ये पढ़ लिए ऊर्जा के संसाधन के बारे में, क्या पढ़ लिए ऊर्जा के संसाधन के बारे में, कोई दिक्कत है। अब हम पढ़ते हैं क्या, अब थोड़ा पढ़ते हैं बिहार में, थोड़ा देख लेते हैं मतलब क्या परिवहन, क्या देखते हैं परिवहन देखते हैं, क्या देखते हैं परिवहन से ज़्यादा क्वेश्चन ना आता, जो जो आता बता देते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं क्या बिहार में जो है उद्योग का पिछड़ापन क्यों है, पूछेगा बिहार में उद्योग पिछड़ापन के कारण, क्या पूछेगा बिहार में उद्योग, यानी बिहार में उद्योग नहीं रहे तमने सब कमाने मुंबई दिल्ली जाता है ना, तो बिहार में उद्योग पिछड़ापन, बिहार में उद्योग पिछड़ापन का कारण, पिछड़ापन के कारण तो पहला कारण क्या है, तो कच्चा माल क्या है, कोयला मंगवाना है तो बाहर से मंगाना पड़ेगा, बिहार में ना हो रहा है, गैस मंगाना है तो बाहर से मंगाना पड़ेगा, प्राकृतिक पेट्रोलियम मंगाना है तो बाहर से मंगाना पड़ेगा, नहीं बिहार में कच्चा माल का अभाव है, कच्चा माल का, तो क्या पहला बोलेंगे कच्चा माल का अभाव, कच्चा माल का कमी, कच्चा माल का। दूसरा बोलेंगे संरचनात्मक, क्या बोलेंगे संरचनात्मक साधन का कमी, संरचनात्मक साधन का, संरचनात्मक मतलब क्या हुआ तुमने समझा, संरचनात्मक मतलब जो उद्योग को गति प्रदान करे, ठीक है ना, संरचनात्मक साधन की कमी, संरचनात्मक साधन की कमी, संरचनात्मक तो समझा, जैसे तुम लोग को बाजार, तो बाजार रहेगा तो ना फैक्ट्री वाला माल फटाफट बिकेगा, तो बिहार में बाजार ना ज़्यादा तो गाँव में है ना, तो बाजार की कमी है। सड़क भी आता संरचना में, किसने आता है सड़क रहेगा तो फटाफट माल निकलेगा एक जगह दूसरा जगह जाएगा, तो सड़क हो गया, बाजार हो गया, बैंक हो गया, ठीक है ना, ये सब आता संरचना में, किसने आता है, तो बिहार में संरचनात्मक साधन की कमी है, संरचनात्मक साधन का कमी है। और बिहार में क्या है, तो बिहार में जो है ना तकनीकी, ठीक है ना, आधुनिकरण मतलब आधुनिक तकनीकी जो चाहिए, पुराने प्राचीन तकनीक यानी पुराना तकनीक बिहार में चल रहा है, ठीक है ना, आधुनिकीकरण, क्या बोल रहे हैं आधुनिकीकरण तकनीक एवं मशीन का क्या है कमी है, क्या है मशीन का कमी है जिसके कारण क्या है, तो यहाँ पर पिछड़ापन है, क्या है, ठीक है ना। और क्या है, तो और बिहार में सब लोग अधिकतर लोग गरीब है, तुमने पढ़ा है थे ना कि सबसे गरीब राज्य कौन है बिहार, कौन है, तो यहाँ पर पूंजी का भी कमी है, पूंजी रहेगा तभी तुम लोग कुछ खोलेगा, तो पूंजी की कमी। और क्या कारण हो सकता है, तो और कारण हो सकता है कि मतलब विदेशी लोग यहाँ इन्वेस्ट करेगा तब ना, विदेशी लोग आएगा बाहर से तुम्हारा राज्य में फैक्ट्री खोलेगा तब ना तुम्हारा यहाँ उद्योग बनेगा ना, यानी यहाँ पर क्या है, तो यहाँ विदेशी निवेश का कमी, यानी विदेशी लोग यहाँ निवेश करना नहीं चाहता है बिहार में, क्योंकि यहाँ पर वो बताया थे तुम्हें कि संरचना साधन का कमी है, बैंकिंग का कमी है, सड़क का कमी है, बाजार का कमी है, ठीक है ना, प्रशासन सुविधा की कमी, ये ना कि यहाँ का कारखाना बनाया है कल लूट के ले चल गया रहती है तो फिर खोलेगा नहीं खोलेगा, तो विदेशी क्या करता है, विदेशी निवेश का कमी, यानी विदेशी लोग यहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, विदेशी निवेश की कमी, ये सब कारण है बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन होने के कारण, औद्योगिक पिछड़ापन होने के कारण, समझ तुम लोग आ गया। अब बिहार में परिवहन देखते हैं, क्या देखते हैं बिहार में परिवहन, तो बिहार में परिवहन क्या पहले देखेंगे सड़क परिवहन, क्या देखेंगे इसमें फटाफट निकलते हैं, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा टाइम पार नहीं करेंगे। सड़क परिवहन में तुम लोग को याद रखना है तो जी टी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड इसी को बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, जो क्या है, जो हम बताए थे कि NH1 जो कहाँ पर है, तो अमृतसर से दिल्ली, और NH2 दिल्ली से कलकत्ता, दोनों को मिलाने पर बनता है GT रोड, जिस यानी ग्रांड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण कौन कराया था, शेरशाह सूरी कराया था, कौन काल में कराया था, तो काल का नाम था मध्यकाल, क्या था, मध्यकाल में कराया था 1500 ईस्वी के आसपास, समझ तो लोग आ गया। तो हम सड़क परिवहन में बस एक तो याद रखना है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या, उसके बाद देखते हैं रेल परिवहन, तो रेल परिवहन में तुम लोग को याद रखना है कि रेल परिवहन में तुम लोग को याद रखना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है ना, जो मैंने वो लिखा रहा है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, जो बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय है, या इसी को बोलते हैं जोन, क्या बोलते हैं, तो बिहार में रेलवे पूरा भारत में रेलवे का मुख्यालय 18 अब हो गया, पहले 17 था, अब 18 हो गया, तमिलनाडु में बन गया, 18 हो गया, उसमें से एगो मात्र है बिहार में, कौन, हाजीपुर, क्या है, हाजीपुर है, ठीक है ना, झारखंड में कौन ना है, हाजीपुर से काम चलता है, ठीक है, तो हाजीपुर क्या है, हाजीपुर है, समय तो आ गया। इसी में याद रखना कि रेलवे कारखाना बिहार में, रेलवे कारखाना कहाँ है, तो जमालपुर में, कहाँ पर है, जमालपुर, कहाँ पर है,
जमालपुर में, ठीक है ना। और बिहार में जो पहला रेलवे लाइन जो बिछाया, कौन बिछाया, बिछाया तो रेलवे लाइन कौन बिछाया, रखना रेलवे लाइन बिहार में सर्वप्रथम कौन बिछाया, याद रखना ईस्ट इंडिया रेलवे, कौन बिछाया था, ईस्ट इंडिया रेलवे, याद रखना कब, ईस्ट इंडिया रेलवे लगभग 1880 में बिछाया था, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना। पूछेगा बिहार में सर्वप्रथम रेलवे लाइन कौन बिछाया, तो बोलना ईस्ट इंडिया रेलवे, इतना याद रखना है। आप पहुँचते हैं किसमें, आप पहुँचते हैं जल परिवहन, किसमें पहुँचते हैं जल परिवहन में। तुम लोग एक ही क्वेश्चन पूछता है जल परिवहन के बारे में, पूछेगा राष्ट्रीय पोत संस्थान, क्या पूछेगा, पूछेगा राष्ट्रीय, क्या पूछेगा, राष्ट्रीय पोत, क्या बोल रहे हैं, पोत संस्थान, राष्ट्रीय पोत संस्थान। तो राष्ट्रीय पोत मतलब होता है सिप, क्या होता है, और सिप मतलब होता है पानी वाला जहाज, पानी वाला जहाज, यानी पानी वाला जहाज चलने का जो राष्ट्रीय पोत संस्थान जो बिहार में है वो कहाँ पर है, तो वो है पटना में, कहाँ पर है, याद रखना पटना में, पटना में गंगा नदी किनारे वो घाट है, उस सब सब नदी का घाट होता है ना, घाट के नाम से फेमस सिमरिया घाट होता है ना, उसी प्रकार पटना में वो घाट है जिसका नाम है महेंद्रू घाट, क्या है, महेंद्रू घाट। और महेंद्रू घाट में सब लोग जाता है घूमने के लिए, वहाँ पर आरती देखना बहुत परम विशाल होता है, ठीक है ना। तो पटना में है महेंद्रू घाट, वहाँ देखना जहाज चलते रहता है, कोई लोग गया हो तो वहाँ देखा होगा महेंद्रू घाट काफ़ी फेमस है पटना में, ठीक है, वहाँ आरती भी होते रहता है और वहाँ नाव भी चलता है, ठीक है ना। हम एक तो वीडियो डाले हैं, वो महेंद्रू घाट की वीडियो डाले थे, पटना में डरने डाले थे जहाँ घूम रहे थे, वो देख लेना तुम लोग, महेंद्रू घाट का है, ठीक है ना। तो पटना में महेंद्रू घाट, पटना में राष्ट्रीय पोत संस्थान, राष्ट्रीय पोत संस्थान है, ठीक है। अगला देखेंगे वायु परिवहन, क्या देखेंगे, तो वायु परिवहन में जो मेन है वो याद है, दो चीज़ याद रखना, वायु परिवहन में जो वायु परिवहन के लिए एयरपोर्ट होता है, क्या होता है, और बिहार में दो गो एयरपोर्ट फेमस है, तो क्या है, पटना में है जो है, जो क्या है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, तो जयप्रकाश नारायण, क्या है, याद रखना जयप्रकाश, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पटन या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, हवाई पता नहीं कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, पटना में, कहाँ पर है, पटना में, ऐसे पटना में ना है, कहाँ बताए थे तुम लोग, पहले बता, पटना से थोड़ा सा दूर में कहाँ बताए थे, दानापुर में, कहाँ पर है, दानापुर में है, लेकिन पटने पटना के नाम से फेमस है, समझ तो लोग आ गया, अरे एक गया में, कहाँ पर है, गया में है, ठीक है ना, याद रखना। ज़्यादा पूछता है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में, ठीक है, कहाँ पर है, पटना यानी दानापुर, पटना यानी दानापुर में है, ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय है, यहाँ से तुम लोग कहाँ जा सकता है, तो भारत में तो कहीं भी जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, कलकत्ता जा सकता है, ठीक है ना, और यहाँ से तुम एक नेपाल भी जा सकता है, नेपाल के काठमांडू में भी के लिए भी यहाँ से हवाई जहाज अथी मतलब वायुयान उड़ती है, वायुयान क्या होती है, उड़ती है। और दरभंगा में एक ठो बन रहा है, दरभंगा में भी एक ठो पतन बन रहा है, एक ठो बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन रहा है, क्या हो रहा है, दरभंगा में, दरगंभा लिख दिए, दरभंगा, क्या बोल रहे हैं, दरभंगा, ठीक है। तो ये हम देखने क्या अति सड़क परिवहन देखने, रेल परिवहन देखने, जल परिवहन देखने, वायु परिवहन देखनी है, एक ठो देखते हैं रज्जू मार, क्या देखते हैं रज्जू मार्ग, तो समझ रहा है ना, डोली के द्वारा ऊंचाई ऊंची के स्थान पर जाना, समझ रहा है ना, डोली पर बैठ जा और अथी में तार में बंधन होगा और तुमको नीचे से पहाड़ पर पहुंचा देगा, तो उसको बोलते हैं रज्जू मार, क्या बोलते हैं, तो रज्जू मार कहाँ पर है, तो रज्जू मार है राजगीर में, कहाँ पर है, राजगीर, कहाँ पर, राजगीर में, ठीक है ना। और राजगीर में कहाँ पर, तो राजगीर में जो पर्वत का नाम है उसका नाम है, पर्वत का नाम है गिरकुट, क्या नाम है, तो गिरकुट नामक पर्वत पर, क्या बोल रहे हैं, गिरकुट नामक पर्वत पर, आ गिरकुट नामक पर्वत पर जब उपरांत तुम जाता है राजगीर जो गया होगा घूमने के लिए, तो जब तुम ऊपर जाता है तो वहाँ पर एक ठो बौद्ध स्तूप बना है ना, मंदिर बना है ना, उसको बोलते हैं विश्व शांति स्तूप, क्या बोलते हैं, तो गिरकुट नामक पर्वत पर बना हुआ क्या है, तो विश्व शांति स्तूप, क्या बना हुआ है, विश्व शांति स्तूप बना हुआ है, जो जापान के सहयोग से बनाया गया, किसके सहयोग से बनाया गया, जापान, कौन देश के सहयोग से, जापान देश के सहयोग से, जापान देश के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है ना, समय तो उनका आ गया। और बिहार में एक रज्जू मार्ग और बन रहा है, कहाँ बन रहा है, तो वो बन रहा है कहाँ पर, बांका में, कहाँ बन रहा है, बांका में बन रहा है, बांका जिला में, और बांका जिला में कौन पर्वत पर, तो मंदाल हीर पर्वत पर, कौन पर्वत पर, हिल मतलब पर्वत, हिल मतलब पर्वत या पहाड़ी ना होता है, तो मंदार हिल, याद रखना मंदार, डायरेक्ट लोग क्वेश्चन आएगा कि मंदार हिल कहाँ है, तो क्या बोलना है, बांका में, और वहाँ पर भी रज्जू मार्ग बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो ये हम देखें क्या बिहार के बारे में पूरा चीज़ देख लिए हैं, बिहार के बारे में थोड़ा सा और ध्यान रखना है क्या तुम लोग को, किस देखें यहाँ पर याद रखना है कि बिहार के बारे में एक चीज़ याद रखना है, सर्वाधिक गरीब राज्य, सर्वाधिक गरीब राज्य कौन है, बिहार, सर्वाधिक सबसे कम साक्षर वाला राज्य, साक्षर राज्य कौन है, बिहार, कौन है, बिहार, बिहार के बारे में याद रखना, और क्या तो और याद रखना है, सबसे पिछड़ापन राज्य तो कौन है, बिहार, कौन है, बिहार के बारे में और याद रखना है कि बिहार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक पूछेगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, क्या पूछेगा,
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, घनत्व तुम समझते हैं ना, कमे क्षेत्र में ज्यादा आदमी कोचाए के है तो उसको बोलते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो 28 को राज्य पूरा देश में है ना, उसमें से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी कम जगह में ज्यादा आदमी कहाँ पर रहता है, कौन राज्य में, तो हो जाएगा कौन, हो जाएगा कौन, तो हो जाएगा तुम्हारा बिहार। क्या हो जाएगा, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो बिहार राज्य में, बिहार राज्य में। ऐसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, दिल्ली में, कहाँ पर है, लेकिन दिल्ली राज्य नहीं है, वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य में कौन है, बिहार, कौन है, बिहार में कितना जनसंख्या घनत्व है, तो 1 किलोमीटर के अंदर 1102 व्यक्ति लगभग मिलता है, कितना मिलता है समय, अब तुम बोलेगा गाँव में तो इससे ज़्यादा है, तो गाँव की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा पूरा जितना भी बिहार के क्षेत्र जंगल उंगल सब ले ले, और जितना जनसंख्या उससे भागा दे तो कितना है, 1102, 1100, अरे गाँव में ज़्यादा है तो जंगल में कोई ना है तो बराबर ही हो जाता लगभग, तो 1102 है, कितना है। फिर पूछेगा सर्वाधिक बड़ा जिला बिहार का कौन है, सबसे बड़ा जिला, क्या पूछेगा, बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी याद रखना, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन है, तो सबसे छोटा जिला है शिवहर, कौन है, सबसे छोटा जिला, ठीक है ना, उपरांत जाना तो वहाँ मिलेगा तुमको, पहले मिलेगा पश्चिम चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मिलेगा शिवहर, घुसल होगा, ठीक है ना, तो शिवहर छोटा है, क्या शिवहर, क्या है शिवहर, समझ तुमको आया। पूछेगा यहाँ ध्यान दे, पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बता दे, ये तो ऐसे तुमने बता दे, तो सिंपल बात है, पटना क्या है, बिहार का राजधानी है और राजधानियों में ज़्यादा जनसंख्या होगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, पटना, कौन है, पटना है, समय तुमने कहा गया, हाँ, सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है, तो रोहतास में, कहाँ पर होता है, रोहतास में, समय तुमने कहा गया, रोहतास बोलना है, क्या बोलना है, अच्छा तुमने पूछेगा सबसे ज़्यादा खेती, कम सबसे कम खेती कौन जिला में होता है, तो पटना में होगा, अरे पटना क्या है, राजधानी है, तो वहाँ पर खेती करता है लोग, वहाँ पर सब क्या करता है, सब अपना काम करता है, ऑफिस भी जाता जाता है ना, तो पटना में सबसे सबसे कम खेती होता है, समय तुमने कहा गया, तो इतना तुमको बिहार के बारे में याद रखना है, ठीक है, तो चैप्टर हुआ खत्म, क्या हुआ, अब छाप तुम लोग 5 मिनट में लाइक कर, और जो शेयर नहीं कर शेयर कर, सब्सक्राइब कर, ठीक है, चलो ये हुआ चैप्टर नंबर 10 हो गया समाप्त, ठीक है, 10वां जो जाने वाला उसको बता दे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है था ना बिहार जल विद्युत परियोजना, इसका नाम बिहार जल नहीं करना, इसका नाम लिख लेना क्या, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, जल विद्युत निगम। तो पूछेगा बिहार, बिहार राज्य जल विद्युत निगम का स्थापना कब हुआ, तो 1982 में, 1982 में, ठीक है ना, याद रखना।